ऑडिबल है जब बहुत ज्यादा इको तो नहीं कर रही है पता चला। ठीक है एक्चुअली थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी यार, कल कल बहुत लेट हो गया घर आते आते, और जो भयंकर जुकाम वुकाम शुरू हुआ ना, मैं सोया था, मैं कहा 10 मिनट अभी टैबलेट खाया था मॉन्टिलो का खा के फिर लेटा था, मैं कहा क्या पता ठीक हो जाए। सडन इनका वो कॉल आया, अरे सर आपकी क्लास में, कहा यार मेरी क्लास भी, कहा क्या आप कुंडली खोल ली आप लोगों ने कि नहीं अभी तक, कितने लोगों ने खोल ली, मतलब अप्रोक्सीमेट क्लास जो है हमारी कुंडली खोल चुकी है ठीक है। 22 का पेपर मैंने एनालाइज करके रख लिया था, ये बताओ ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से कितने क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी दोनों का कंसीडर करिएगा। मैंने कहा था इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट प्लस ज्योग्राफी इन दोनों का मिला के अप्रोक्सीमेट 40+ क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने सही से एनालाइज किया होगा तो किया था। उसके बाद हिस्ट्री, मैं 2022 की बात कर रहा हूं, कितने साल के आप लोगों ने एनालाइज कर लिया है, 21 22 कर लिया है ठीक है। आप अगर ट्रेंड आपने सही से एनालाइज किया होगा तो देखा होगा अप्रोक्सीमेट 50 से 60% क्वेश्चन जो होंगे 50% क्वेश्चन इसी के अराउंड में मिले होंगे ठीक है, 50% इसी के अराउंड में मिले होंगे। दूसरी बात, अगर इसको सही से आपने भी देखा होगा तो 2 3 क्वेश्चन जो डायरेक्ट इसी में से उठा के पूछ लिए थे, डायरेक्ट पूछ लिया था, कुछ आरओ से कोरिलेट वो पूछ लिया था, डायरेक्ट डायरेक्ट पूछा था ठीक है। हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन थे 22 में, 22 क्वेश्चन थे। साइंस के कितने क्वेश्चन थे, एनालाइज किए थे या नहीं, ऐसे मैं ही बोले जा रहा हूं। अच्छा एक दिन और टाइम दे दे, एक हफ्ते का और टाइम दे दे, क्योंकि 20 तक आप एनालाइज कर लो, 3 साल के पेपर एनालाइज कर लो, फिर मैं अपनी एनालिसिस बताऊंगा और फिर बताऊंगा किस सेक्शन को कैसे लेके हम लोग को चलना है ठीक है। जो सुपर 40 वाला ग्रुप है जो नहीं ऐड है वो प्लीज ऐड हो जाए, क्योंकि मैं सोच रहा हूं अब उसमें एग्जाम देना ही देना है, मैं भी तो स्टूडेंट हूँ आप लोगों के साथ ठीक है। उसमें करंट अफेयर, खैर मुझे अब मूड भी नहीं है देने का, लेकिन जब तक जितने 4 5 महीने में आप लोगों के पास ठीक है, करंट अफेयर कैसे पढ़ना है और कैसे इसको मेंस के लिए पढ़ना है, इन दोनों चीजों को हम साथ में अभी से लेके चलना स्टार्ट कर देंगे, तो जो नहीं है वो ऐड हो जाए बस। करंट अफेयर एक दिन का और टाइम दे रहा हूँ, मतलब जो है 3 4 दिन का टाइम है वो दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज 3 साल का सही से एनालाइज कर लीजिए, कैसे एनालाइज करना है मैं बता चुका हूँ ठीक है। मैं एक फोटो खींच के जो मैंने एनालाइज किया हुआ है बस उसको एडिट पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में, कि आप लोग देख लोगे, बता कंफ्यूज ना हो, बता कुछ क्वेश्चन नहीं लिखने लगो, क्वेश्चन नहीं लिखना है पहले, बस एनालाइज कर लेना है कि कितने आपके गलत हैं कितने सही हैं, फिर देखना है कौन सा सेक्शन वीक है, और एनालाइज फिर हम लोग पेपर का करेंगे धीरे धीरे एक एक सेक्शन पकड़ के, पहले ज्योग्राफी फिर इन्वायरमेंट फिर हिस्ट्री और लास्ट में हम लोग एनालाइज कर लेंगे, बिकॉज हिस्ट्री के अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन एनालिसिस बेस है पूरे के पूरे, 90% 90+ क्वेश्चन रिपीटेड है, अगर 22 का आप लोग पेपर उठा लो तो 90% क्वेश्चन रिपीटेड है, और आपके रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं फिर भी गलत हो रहे हैं तो ये ब्लंडर है। मैं क्या ब्रह्मा जी, नहीं ब्रह्मा जी कर सकते हैं, बाकी विष्णु भगवान भी नहीं करवा सकते फिर, क्योंकि 90% क्वेश्चन अगर रिपीटेड है ठीक है, 15 20 आपने 20 तो अप्रोक्स 20 तो करंट में करना ही करना है, 20 करंट में कर लिया, 110 के अप्रोक्सीमेट वैसे पहुंच गए, काट पीट के आप 90+ हो गए, प्रीलिम्स कौन रोक सकता है भाई, अगर इसने सही से आपने ट्रेंड देखा हो तो। मैं क्वेश्चन इवन दो क्वेश्चन तक मैं बताया हूं कौन सा ट्रेंड रिपीट कर रहा है, अलाउद्दीन खिलजी वाला देखो एडिटीज था, अगर अलाउद्दीन खिलजी के रिस्पेक्ट में आप देखो लास्ट में 21 में तो औरंगजेब था, उसके पीछे देखो तो एमबीटी था, उसके अकबर था, एटीटी उसके क्रोनोलॉजी तो पूछ रहा है, औरंगजेब का क्रोनोलॉजी भी पूछा था याद है, 22 का पेपर कितने लोगों ने देखा है,
अगर 22 का पेपर देखा होगा तो आप लोगों ने औरंगजेब का भी ऑर्डर तो पूछा है, याद ही नहीं है यार, गजब। औरंगजेब का ऑर्डर पूछा है और यही करना है, तो मैं कह रहा था एनालिसिस, अगर ट्रिक लगा दोगे BDS KD, क्या बच्चा? वही पूछ रहा है, उसी को तो मैं कह रहा हूं एनालिसिस। अलाउद्दीन खिलजी का क्या पूछा है? अलाउद्दीन खिलजी का क्या पूछा है? यही पूछा है, यही यही ऑर्डर ही तो पूछ रहा है युद्ध के। और इन्हीं लोगों ने रैपिड वॉर किए हैं, ठीक है। BDS KD मैंने बनारस वाला बोला था, धर्मत बोला था, मतलब मैं बता रहा हूं आप लोगों को नहीं पता है। एनालिसिस करके सब कोई ट्रिक बना के ऐसे रख लीजिए, ऑर्डर डायरेक्ट उठा दीजिएगा। जैसे बनारस और धर्मत मिल जाता, सूजा वाला मिल जाता, खजुआ मिल जाता, आप डायरेक्ट आंसर मार दोगे। ये ट्रिक वही तो, मैं एक बार आप एनालिसिस कर लो, मेरे पास जितने ट्रिक है यार मैं दे दूंगा आपको, समझ रहे हो? और हर सेक्शन के हैं, इसीलिए कह रहा हूं, ऐसे नहीं 113 106 ऐसे मार देते। रीजन है मेरा, देखो कोई पर्पस नहीं है आप लोगों को पढ़ाने का, पहली बात सुन लो, मेरा पर्पस बस यही है, सच्चाई बता रहा हूं। सर है IRS, मैंने एक बार पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। उनका ही एक, अभी भी आज भी वो बच्चों को गाइड करते हैं, पढ़ाते नहीं है, गाइड करते रहते हैं, ठीक है। CPW भवन में बैठते हैं, आकार में भी कई बार आ चुके हैं, शायद आप लोग नहीं मिले होंगे। उनका बस एक ही मोटिव था, वो स्टिल अभी भी गाइड करते हैं, अभी भी मुझे भी गाइड करते हैं, मेरे जितने सर्कल के लड़के निकले हैं, सुधीर हो गया, अवनीश हो गया, जितने भी साथ वाले हम लोग सब उन्हीं से इन्फ्लुएंस्ड हैं, ठीक है। और वो स्टिल उनका बस यही मोटिव है कि जितना मैंने तुम लोगों को दिया है ये तुम आगे बढ़ा दो, और मैं जितना दे रहा हूं बस आप लोग आगे बढ़ा दो। कोई भी एक आदमी से आगे बढ़ा देगा ना तो हो गया काम, मतलब ये जो है ये फिल्ट्रेट होके चलता रहेगा बस आगे, मेन मोटिव यही है। 4-5 महीने मेरे पास टाइम है यार, मैं खुद जाके एंजॉय करूंगा। मैं यहाँ पे आके 2 घंटे आप लोगों को पढ़ाने से पहले मैं खुद जितना पढ़ाऊँ उसके 4-5 घंटे फिर रिविजन मारता हूँ, और एक दिन ही पर डे दिन पढ़ लेता हूँ, एक दो दो घंटे 4 घंटे पढ़ लेता हूँ। मेरा मेन मकसद बस यही है, फिल्ट्रेशन। एक भी आदमी से आगे अगर इन्हीं चीज को कंटिन्यू कर लिया सेलेक्ट होने के बाद, वो आगे कंटिन्यू करवा लेगा, यही बस मेन मोटिव है, और कोई मोटिव नहीं है, ठीक है। बाकी यार आप लोग, मैं कह रहा हूँ एक बार एनालाइज कर लो पेपर भाई, मैं कह रहा हूँ 22 कैसे एनालाइज करना है मैं बता चुका हूँ, Super 40 में डाल भी दूंगा, ठीक है। 22, 21, 20 और 19, इन 4 साल का पेपर आपका सिलेक्शन 100% करवा देगा। जिस तरह के हार्डवर्क करते हो आप लोग, जितना पढ़े हो आप लोग, अगर मैं बोल लूँ ना एक एग्जाम्पल, हर साल पॉलिटी से हर दूसरे साल आर्टिकल 371 है, इसके में से 12 स्टेट मेंशन है, कितने स्टेट मेंशन है? इनमें से जरूर ऑर्डर पूछ लेता है, ABCD में मैचिंग कर दीजिए, पूछता है कि नहीं पूछता है? अगर इसका ट्रिक पता होगा क्यों ना सही हो जाए यार। दूसरा 19, 19 के 6 अलग से पैरा हैं, अगर उसी का ट्रिक अगर बना लो तो क्यों ना याद हो जाए। प्रेसिडेंट का ट्रिक बना लो क्यों, इसका स्पैम आरटी, इसके नाम है समाज, राइट टू स्पीक, राइट टू प्रेस, अरे भाई साहब राइट टू प्रेस, पीस या प्रोटेक्ट, राइट टू प्रोटेस्ट, ए से एसोसिएशन, याद है? 3 आर्टिकल यहां से जोड़ रहे हैं, याद है? 3 चीजें जुड़ती हैं। 9B अमेंडमेंट कौन सा था, 97, 2011, 3 चीजें यहां से जुड़ती हैं, बिल्कुल सही। पार्ट बी में जुड़ता है, एक यहां जुड़ता है और एक DPSP में जुड़ता है, कौन सा आर्टिकल है? 43B, याद है? भाई साहब मैं बता रहा हूं आप लोग एक बार एनालाइज तो कर लो, इन सेक्शन से क्वेश्चन पूछते हैं बार बार, इस एक बार एनालाइज कर लिए आप लोग ट्रिक के साथ रट लोगे, कभी क्वेश्चन वो गलत नहीं होंगे, और वो हमेशा अच्छे क्वेश्चन होते हैं, यही अच्छे क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं, प्रीलिम निकल जाता है, आसान क्वेश्चन गलत करने नहीं है। तो बस मैं यही कह रहा हूं कि बॉस आप लोग बस एनालाइज कर लो एक बार, खुद के पेपर तो एनालाइज करो कि आपकी गलतियां कहां हुई हैं। ये बॉस वो घेरा वाला बना दो यार, लो कर दो यार, मतलब लास्ट क्लास में तुमको ढूंढ रहा था यार, बन गया घेरा। वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। मैं यही कह रहा हूं
एक बार एनालिसिस आप कर लो, 22, 20, 21 और 19, अगर इन 4 साल का आपने एनालिसिस कर लिया, बस ग्लिम्स ही तो नहीं किया, मोटिव क्या है से निकालना ना, क्यों नहीं कर रहे हो यार? अभी भी मुश्किल से 10 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है। अगर आप जो भी बच्चे नए हैं उन्होंने 22 तो दिया, कितने लोगों ने 22 का प्रीलिम्स दिया है? आप लोगों को तो कर लेना चाहिए यार, मेजर संख्या है। किस आप लोग एनालाइज कर लीजिए पूरा अपना भाई, नेक्स्ट क्लास में मैं एनालिसिस का अपना बताऊंगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है? और एक एक टॉपिक को मैं लेके शुरू करूंगा, भले आप एनालिसिस करो या ना करो, बहुत टाइम दे दिया। जो नहीं दिया वो पेपर मिल जाएगा ना उनसे, ना कहीं से नेट पेपर मिल जाएगा, मैं खुद पेपर डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा या डाल दूंगा, आप लोग बस लेके शुरू कर देना। क्योंकि अब दो चीजें करनी है, एनालिसिस, क्योंकि अब प्रीलिम्स ज्यादा टाइम नहीं रह गया आपका। प्रीलिम्स का पूरा मैं बता दूं, 23 का जो प्रीलिम्स का चांस है, जहां तक अभी मेरा इंफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, वो 14 या 21 मई को हो जाएगा, और 28 मई को आपका यूपीएससी है, प्रीलिम्स यही होगा, और इसके बाद आपका जून में आरओ होगा। अगर आरओ आप लोग सोच के बैठे हो कि पहले होगा तो नहीं होगा, ठीक है, ये अपने दिमाग में रख लेना। मैं पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको अपडेट कर दे रहा हूं, ठीक है? रीजन है क्यों इस बार पहले होने का, कि इनको 1 ईयर प्रोग्राम चलाना है बस, इस बार दिसंबर तक तो इनको फाइनल रिजल्ट देना है, पूरा चांसेस है। अगर सच में आप लोग को मारना है तो हार्डवर्क कर लो, खत्म हो जाएगी कहानी इसी साल में, ठीक है? बाकी अगर इतना लेट करोगे तो गड़बड़ है। खैर, ये सब चीजें मुझे आपको थोड़ा बतानी थी, और लास्ट चांस दे रहा हूं, नेक्स्ट टाइम में हो जाना चाहिए। 4 साल का पेपर 4 दिन होता है, एक एक दिन कर दोगे, दो दो तीन तीन घंटे लगते हैं, खाली टिक मार के तो करना है। मेन एम है प्रीलिम्स निकालना, है ना? तो इससे क्यों हट रहे हो यार? ठीक, थोड़ा रिवीजन कर लें यार, अब थोड़ा पिछले पे चलते हैं, रिवीजन पे आगे बढ़ने कोई मतलब है नहीं, पहले रिवीजन कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पिछले 3 क्लास हुई हैं, 3 या 4 क्लासेस हुई हैं, 3 हुई हैं, एक तो ऐसे ही हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। कोई डाउट किसी को? ट्रिक बता चुका हूं इसका मैं, रुकना कैसे वो बता चुका हूं, फंडामेंटल बता चुका हूं, दूसरा प्रेशर बेल्ट बड़ा बता चुका हूं, प्रेशर बेल्ट बता दिया है। कोई डाउट प्रेशर बेल्ट में? यहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी खास करके पूछती है, पीएससी पूछ सकती है, क्योंकि अब ट्रेंड उसका बदल चुका है थोड़ा सा। तीसरा लोकल विंड, क्या जितना लोकल विंड बताया था इससे बाहर भी कोई आया था क्या पेपर में? इससे बाहर कोई आया था पेपर में? पेपर देखा था आप लोगों ने? अरे बोलो तो, ठीक है, मतलब ये 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं। चौथा सेक्शन आता है, चौथी क्लास, तीसरी या चौथी क्लास है हमारी, ओशियन करंट्स, फिजिकल साथ में लेके चल रहा हूं, बाद में इंडिया लाऊंगा फिर, क्योंकि इंडिया से भी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो बाद में हम लोग पढ़ लेंगे, बताया था मैंने बाय फॉरगेट करके। ये एक मैप का सेक्शन था, ये हम लोगों ने कर लिया है। ओशियन करंट्स करेंगे, पांचवा हम करेंगे स्टेट स्टेट, बिकॉज यहां से 100% चांस रहता है क्वेश्चन फिक्स रहता है, यहां से तो फिक्स ही है क्वेश्चन, ये तो हर पेपर में रहता है। ऑस्ट्रेलिया और प्रेशर बेल्ट से एक क्वेश्चन रहता है, चांस है कि ये खास करके मेंस वाले सेक्शन में जरूर पूछ लेता है, इससे यार फैक्चुअल पूछेगा तो ये मैचिंग से कोरिलेट करता है, याद रखना, इसलिए इसको पहले बता दिया कि आपको मैचिंग से पहले इलिमिनेट कर दो, ठीक। छठा सेक्शन रहेगा हमारा यूरोप, यूरोप की क्या मैपिंग, यूरोप के माउंटेन, यूरोप का लेक, यूरोप के रिवर्स, यूरोप का मिनरल और यूरोप का ट्रेड। ये सेक्शन अगला हमारा यूरोप रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगला यूरोप का ही मैप भी कराऊंगा, क्योंकि 3 फिजिकल हो चुके हैं, फिर अगला फिजिकल लेंगे, ठीक है? ये रहेगा कि आपको ये कॉन्सेप्चुअल कराने का मतलब ये रहता है कि आप लोग की मैपिंग थोड़ी स्ट्रांग होती चली जाए, ठीक है? अब पहले ये सेक्शन जो हम कर चुके हैं इसमें थोड़ा सा आपकी जानकारी ले लें कि कहां तक रिवाइज हो चुका है, ठीक है? रेडी हो? आवाज आनी चाहिए, रेडी हो? ठीक है, जो पहली क्लास में उनकी तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, अब आया अपना सेक्शन, अब आउटपुट लेने का टाइम है। सामल, बहुत बढ़िया। सामल किस किस ईयर में पूछा था? 2021 में एग्जैक्ट पूछा था यही क्वेश्चन, और ऑस्ट्रिया ऑप्शन में था, लोगों ने गलत कर दिया था,
ठीक है, लेविंची, वेरी गुड, ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, हॉट है कि कोल्ड है? ठीक है, ये कोल्ड है, हॉट है, क्या है? ठीक है, डार्विन एक सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, किस टेरिटरी में है? वेरी गुड, नॉर्थन टेरिटरी। अब सब ना बताना, मैं नाम लिख रहा हूं, उसको नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है, नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है। मैं तुझे सब बता चुका हूं। तीन नाम लिखा है, बोलेगा कोई नहीं, एक रुक जाओ, बोलेगा नहीं। जो नए क्लास में, कितने लोग नए क्लास में अभी आज लोग नहीं किया होगा? अच्छा, तो ज्यादा जानते हैं। ठीक, मुझे लग रहा है जो है वो सब बता देंगे, बता दो यार। पहला नंबर सबसे नॉर्थ में क्या है? ग्रेट सैंड डिजर्ट, उसके बाद कौन सा है? सिम्पसन, वेरी गुड। तीसरे नंबर पे, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 3 2, याद है ऑस्ट्रेलिया? कोई डाउट है? मैं बता चुका हूं, था नाम ही उसके ऊपर, मैं जानबूझ लेंगे क्योंकि ऊपर वाला सबको रटा रहता है, दूसरे नंबर से जानबूझ के लिया था। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, मतलब इफेक्टिव है यार, इतना बड़ा सबको पता है। ओके, फिर एक रीजन है ऑस्ट्रेलिया में जिसका नाम है पिलबरा, बोलेगा नहीं कोई? पिलबरा रीजन मैच में बार बार जाता है, किसके लिए फेमस है मैम? ओके, आयरन ओर, आयरन ओर, ठीक है। एफ ई मैंने जानबूझ लिख देता हूँ, कौन आयरन लिखे, एफ ई इसका नाम है, पता है? ठीक है, तो आयरन ओर के लिए है। ठीक बच्चा, आप पीछे, किम्बरली रीजन किसके लिए फेमस है? हाँ, आप ही किम्बरली प्लेटू, ठीक है, गोल्ड और डायमंड के लिए भी फेमस है, यहाँ मिल जाते हैं। रीजन क्या है गोल्ड और डायमंड मिलेगा, वो मैं जब मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा। दो चीज आप ज्योग्राफी में आगे पढ़ोगे खास करके, एक आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर, मैंने पहली क्लास में बताया था, आज लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है रिलीफ, और यही मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है और रिलीफ क्या होता है, दोनों में एक सिमिलर चीजें लिख के चले जाते हैं। तो स्ट्रक्चर से कंफर्म कर दूंगा आपको कि क्या डिफरेंस होती है और क्यों यहां पर गोल्ड, आयरन, कोल, ईटीसी कहां मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब वेलिंग क्या होती है भाई? इनसे कह दे पानी वानी इधर रख दें यार, धूल में ग्लास टूट जाएगा। थैंक यू। अब वेलिंग क्या होती है, इसीलिए तो पूछ लिए। हाँ, मिनरल का ऊपर वाला, चलो ठीक है, वार्म करंट ऊपर आती है, कोल्ड करंट ऊपर आती है, क्यों आती है? चले ठीक है, चलिए, हम लोग क्लास कितने बजे थी यहाँ? तो टाइम ही नहीं चल रहा, चलिए आधा घंटा मैं वो करता हूँ, क्या कहते हैं, आप लोग का प्रीवियस रिवीजन करवाता हूँ, ठीक है? तो मुझे लगता है मैं थोड़ा 10 मिनट लेट हो गया था उसके लिए, सॉरी, 13 मिनट लेट हुआ था, तो शुरू करा देता हूँ क्लास, नेक्स्ट में आधा घंटा हम लोग रिविजन रखेंगे, बिकॉज रिविजन के बिना ना कोई मतलब नहीं है। आज तो अभी मैं खड़ा नहीं कर रहा था, कई लोग नए थे, नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ाने के बाद खड़ा करने लूंगा, क्योंकि उनसे पूछूंगा, एक्चुअली मोरल प्रेशर तो भाई क्लास में पढ़ना है, और स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए मैं भी बेफिक्र होकर पढ़ता पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। चेन करंट, ओशियन करंट स्टार्ट करने से पहले
कुछ बेसिक चीजें। ये बताइए कितने लोग के पास मैप है? पूरी हाथ खड़े कर, ऐसे पता नहीं चल रहा है मैप है। वेरी गुड, मतलब वर्ल्ड का मैप आप लोगों ने रखा हुआ है ना अपने पास, ठीक है। दूसरी चीज, एटलस कितने लोगों के पास है? वेरी गुड, वर्ल्ड का मैप आपको हर क्लास में लेके आना है। जब इंडिया शुरू करूंगा तो इंडिया भी लेके आना है, हर क्लास में आपके पास एक्स्ट्रा मैप होना चाहिए, ठीक है। और खास करके एक मैप होता है फिजिकल और एक मैप होता है पॉलिटिकल, दोनों ही रखने हैं। क्लास में लाओगे दोनों लेके आओगे, ठीक है, बिकॉज विदाउट विजुअलाइजेशन कोई मतलब नहीं है ज्योग्राफी पढ़ने का, ठीक है। तो दो लेके, ये 10 या 20 या 50 बजे जो भी आता है ले लेना, नहीं है तो मुझसे ले लेना भाई, लेकिन लेके रख लेना, ये आपको क्लियर कर देगा पूरा कॉन्सेप्ट को, और वास्तव में मजा आ जाएगी, ठीक है। ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए परमानेंट जब ज्योग्राफी चल रही है। शुरू करते हैं ओशियन करंट्स। पहला नाम आता है करंट्स में, एक होता है ड्रिफ्ट। आप लोग अब कुछ नहीं लिखोगे। अच्छा हाँ, एक चीज मैंने तो होमवर्क दिया था, मैंने कहा था कि लोकल विंड्स का आप लोग मैपिंग करके लाओगे वर्ल्ड मैप में। कितने लोगों ने किया, हाथ खड़े कर दो ईमानदारी से। सबने किया हुआ है, तब क्या देखें यार। नेक्स्ट क्लास में मैं विंड्स और ये ओशन करंट्स दोनों वर्ल्ड मैप के आपकी कॉपी पे देखूंगा, मतलब वही एटलस पे, बाकी बनवाना तो मैं ही सिखाऊंगा, याद रखना। ड्रिफ्ट दूसरा होता है करंट। ये तो मेरी आवाज, वैसे पिच मेरी थोड़ी मोटी माटी आवाज है, कोविड के बाद मेरी आवाज बहुत सुंदर हो गई है, तो इको तो नहीं करती है, बदला दिक्कत करे कानों में, सही है, क्लियर है। एक होता है करंट और तीसरा होता है स्ट्रीम। तीन वर्ड होते हैं, ठीक है, वैसे ही दो वर्ड वॉर होते हैं, चलो इसके बाद बताता हूं। एक होता है एस्थमस और एक होता है स्ट्रेट, ठीक है। ये दोनों तो बाद में होते हैं, अभी पहले ये तीन वर्ड्स होते हैं बेसिक, यूपीएससी घुमा के बेसिक पे ले जाता है। इन तीनों में डिफरेंस बता दे कोई। करंट, इस ड्रिफ्ट और स्ट्रीम। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिखूं तो आप लोग पढ़ते हो सदन, सदन ड्रिफ्ट अटलांटिक के ऊपर, अभी लिखना नहीं बच्चा, अभी इसके बाद आएंगे। करंट आप पढ़ते हो तो ब्राजीलियन करंट, अग्रभास करंट, कनारी करंट पढ़ते हो ना, तो लिखते हो यहीं पे करंट। फिर जब इधर पढ़ते हो तो लिखते हो गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। तो ये तीन नाम देख रहे हो, चल रही है करंट ही चल रही है, तो करंट ही, ओशियन करंट ही, बट नाम अलग अलग कर दिया। रीजन, एक रीजन आपने बताया स्पीड, मतलब स्पीड ना कह के यहां पे हम लोग कहेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी और टेम्परेचर, एक एक ने कहा डायरेक्शन, ठीक है, जो जो है मैंने एक वर्ड बोला था जिंदा है, ठीक है, मतलब हम लोग का जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो एक हम लोग की बाउंड्री बन चुकी है, हम लोग उससे बाहर नहीं जा सकते, जो हमारी सोसाइटी इसमें खुल के जिंदा रही है, ठीक है, एकदम। आप लोग मुझसे पूछे, मैं आपसे पूछूं। ड्रिफ्ट इरेगुलर होता है, ठीक है, और बाकी जो दो जो होते हैं ये रेगुलर होते हैं, ठीक है, मतलब रेगुलर और इरेगुलर की बात हो रही है। और एक लिमिटेड एरिया होता है, मतलब एरिया पैसिफिक, आपने बोला पांचवा पॉइंट एरिया पैसिफिक। और कोई और कोई कुछ बताए? स्टीम गर्म होती है, तो गर्म ठंडी तो हम लोग कर लेंगे, चलो ठीक है, आपने गर्म बोला, वॉर्म, गर्म ठंडी तो प्रॉपर्टी होती है, वो तो ले आएंगे। और सैलिनिटी भी होगी, बिल्कुल सही, सातवां सैलिनिटी। और जितनी चीजें आप लोगों ने बोली, मैंने डिफरेंस पूछा था, हाँ प्रेशर भी होगा, बिल्कुल सही, दिखाता है आपके मेंस के पॉइंट्स,
जितनी चीजें आप लोगों ने बोली ये दिखाई आपने मेंस की पॉइंट्स, शानदार पॉइंट्स से इनको बस बड़ा करके आप लिख दो 10 पॉइंट ये मेंस में, आराम से 12 में से वो 7 नंबर दे देगा। तो आप लोगों ने खुद ही मेंस के आंसर बता दिए, ठीक है। मैंने पूछा था डिफरेंस, एक बंदे ने बोला डिफरेंस, इरेगुलरिटी एंड रेगुलरिटी, इन दोनों में डिफरेंस नहीं बताया, बस एक में बता दिया। बिल्कुल सही, वही बता रहा हूं, अभी आ रहा हूं उसी पे आ जाता। स्पीड बिल्कुल मैटर करेगी, लड़के ने एक बहुत पहले ही स्पीड बोल दिया था, किसी ने बोला, मैंने वही वेलोसिटी कर दिया वहां पे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम वाटर, मतलब ये मेंस के पॉइंट आप लोगों ने खुद ही अपनी तरह से निकाले, वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं अब डिफरेंस बता के क्लियर करके फिर आगे बढ़ता हूं, ठीक है। ये देखो इतनी चीजें हैं, आती हैं, और जब मेंस आप लिखने जाओगे तो इतनी पॉइंट्स को लिखोगे, ठीक है। मैं लिखाऊंगा भी मेंस के भी पॉइंट, पहला नाम आता है ड्रिफ्टी लिखा था, देखिए ड्रिफ्ट क्या होता है, बिल्कुल सही है, इरेगुलर फ्लो होती है, क्या होती है ये, आप लोग अभी नहीं लिखोगे, मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा इसकी, तो आप लोग एकदम समझ लो, एक बार समझ लो उसके बाद सारी चीजें बहुत बढ़िया चलेंगी। ये होती है इरेगुलर फ्लो, इरेगुलर फ्लो होता है इसका मतलब क्या, इरेगुलर फ्लो क्या है, मतलब कि ये एक डायरेक्शन में तो चलती है, एक डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है, बट डायरेक्शन में चलने के साथ साथ इसकी स्पीड स्लो होगी या तेज होगी ये क्लियर नहीं कहते हैं, कि डेफिनेट नहीं कहते हैं, मतलब मैं एक पर्टिकुलर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं, ठीक है, फिर मैं कभी 4 किलोमीटर चला, कभी 5 किलोमीटर चला, कभी 10 पहुंचा दिया, कभी ऐसे, तो ये ऊपर नीचे होती रहती है और एक तरीके से स्लो चलती है, बहुत तेज नहीं चलती है, ठीक है। और ये चलती क्या है, खास करके ये वाला ड्रिफ्ट जो आपको दिखोगे दिखेगा, ये मैं ये सुनना चाहता था कि ड्रिफ्ट मेनली होता है किसकी वजह से, विंड की वजह से, किसकी वजह से होता है, विंड इज अ की फैक्टर फॉर द ड्रिफ्ट, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ग्लोब, ग्लोब के नीचे आप देखोगे ये क्या है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की तरफ आप देखोगे तो यहां पे सरफेस कम है या ज्यादा है, यहां पे ये बल्जेज है, यहां पे सरफेस ज्यादा होती है, यहां पे सरफेस का कम होता है, और जब सरफेस कम होगा तो कोई भी चीज होगी तो तेजी स्पीड से निकलेगी कि धीरे से निकलेगी, यही जब ये रोटेट हो रहा है ईस्ट टू वेस्ट तो ऐसे ही रोटेट हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, वेस्ट वेस्ट घूमता है ना, तो ये जो यहां पे कोई पर्सन है, यहां पे कोई विंड है तो बहुत नॉर्मल दिखाई देगी, लेकिन यहीं पे सरफेस कम है, यहां पे और ज्यादा स्पीड दिखाई देती है, ठीक है। और यहीं पर जो स्पीड है, यहां पे जो देख रहे हो आप लोगों को एरो भी दिख रहा होगा, ध्यान से देखो तो सदर्न ड्रिफ्ट यही होती है, ठीक है, कई बहुत ज्यादा, कई 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 जब साइक्लोन आते हैं तो कई मीटर तक हाइट बढ़ जाती है, कई एकदम नीचे खिल के आराम से चलती है, ठीक है। ड्रिफ्ट डिपेंड कर रहा है किस पे, विंड पे। दूसरा नाम आता है करंट, करंट के लिए दो वर्ड बोली जाती है, डेफिनेट डायरेक्शन, डेफिनेट डायरेक्शन, ठीक है, डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करती रहती है, इसका कोई लेना देना कम या ज्यादा नहीं होती है, इस वेलोसिटी भी इसकी सेम रहती है, ठीक है। और तीसरा मैंने क्या बताया था, स्ट्रीम, स्ट्रीम लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को लेके चलती है एक साथ में, यहां वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होता है वो कम होता है, लेकिन जब ये आएगी तो अपने साथ ढेर सारा पानी लेके चलती है, ठीक है, क्या करती है, ढेर सारा पानी लेके चलती है, और स्पीड इसकी ज्यादा होती है इन दोनों से। तो अगर कभी भी एग्जाम में आ जाए कि स्पीड बताइए, ठीक है, तो ये किसी बुक में मेंशन जल्दी नहीं होता है, लेकिन मैं बता दूं आपको, जो स्पीड होती है वो स्ट्रीम की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद करंट की होती है, और उसके बाद ड्रिफ्ट की होती है, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है परमानेंट, ठीक है। अब मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप डेफिनेशन लिख लीजिए तीनों की, ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर आगे अपना कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज थी जो आपको जाननी थी, डेफिनेशन लिख लीजिए पहले, वाह
एटलस था, मैं लाना ही भूल गया अपना ही एटलस। सबको कह रहा हूँ एटलस लाओ, अपना ही भूल गया। पहले ड्रिफ्ट लिख लीजिए, ड्रिफ्ट। अच्छा पहले आपने ओशियन करंट लिखा है ना, जरा कोई बताएगा ओशियन पीएच क्या है? बेसिक है, याद रखना। जहां ओशियन, आप पहले ओशियन करंट, आप पहले हेडिंग डालिए ओशियन, ओशियन करंट। ओशियन अलग से सारे ओशियन पढ़ाऊंगा, लेकिन ओशियन करंट डालने से पहले, जब आप डाला है तो पहले लिखिए ओशियन। ये बताइए ओशियन बेसिक है या एसिडिक है? बेसिक है ओशियन, ठीक है। एसिडिक धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। एक आईपीसीसी के मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, बैठे बैठे आईपीसीसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें बताया है बहुत तगड़ी बात हुई। अभी मैं वो टैब खोला तो मुझे याद आ गया, पता है आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है। यहां पे लिख दीजिए, यार यहां लिख दीजिए CO2 एब्जॉर्प्शन बाय ओशियन, या फिर ये मत लिखिए तो आप पीएच लिख लीजिए, पीएच ऑफ ओशियन, पीएच ऑफ ओशियन। ये याद रखना, मैं मेंस के लिए पहले पॉइंट बता रहा हूं, पीएच ऑफ ओशियन सही से लिख दे रहा हूं, पीएच ऑफ ओशियन, ठीक है। आईपीसीसी की रिपोर्ट है, वहां कोट कर देना आपको। आईपीसी की बार बार पूछता है क्लाइमेट चेंज, याद रखना। आप लोग मेंस में ये क्वेश्चन पूछते हैं बार बार, क्लाइमेट चेंज पूछते हैं ना मेंस में, जितने मेंस के लिए आंसर किया होगा वहां पूछता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज अगर वर्ड आए तो ये चार्ट आप जरूर डाल देना वहां पे, कि ओशियन की एसिडिटी, जो सैलिनिटी है, बेसिसिटी है, वो डिक्रीज हो रही है और एसिड होता जा रहा है, ठीक है। क्या बताया था उन्होंने कि 1751 में जो ओशियन की जो सैलिनिटी थी, ओशियन की जो क्या कहते हैं बेसिसिटी थी 1757 में, वो थी 8.30 के अप्रोक्सीमेट, 8.30 के अप्रोक्सीमेट। और ये अब घट के कितनी हो गई है 1751 में, और 2021 में ये डेटा उन्होंने बताया है। आईपीसीसी की 21 में रिपोर्ट आई थी, एक 6 पार्ट में आती है, इसमें इन्होंने बताया है कि अब 8.14 हो गई है। क्या है ये? पीएच, जो सेल, वो क्या कहते हैं एल्कलिनिटी है या पीएच की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जा रही है इसकी। इसको ऐसे, अरे यार, पीएच ऑफ ओशियन, ये इसे बना के आईपीसीसी की रिपोर्ट, ये चीज लिख लेना आप अपने पास में। पहले मैं बता दूं, समझा दूं चार्ट है क्या, ठीक है। ये मेंस में आपको डालना है एट इट इज बना के, दोनों ऐसे डब्बे बनाने हैं और डेफिनेशन डालने के बाद तुरंत ये लिख देना है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज आए तो ये चार्ट बनाना है। देखिए पहले पीएच की वैल्यू ओशियन की 8.30 थी, ठीक है, लेकिन ड्यू टू सिक्वेंसिंग ऑफ CO2, आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कौन करता है? ओशियन करता है सबसे ज्यादा, क्वेश्चन आया प्री का ये, ठीक है। और अपने कंजप्शन की वजह से, एब्जॉर्प्शन की वजह से इसकी सैलिनिटी जो है, क्या कहते हैं एल्कलिनिटी जो है, बेसिसिटी जो है, वो डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। अब ये जैसे जैसे डिक्रीज करता जाएगा अधिक होता चला जाएगा, ठीक है, और उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा देखना क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है। सारा सर्कुलेशन ही चेंज हो जाएगा, जो जीव है, फ्लोरा फौना है, डेड होना शुरू कर जाएंगे, ठीक है। ये क्लाइमेट चेंज के लिए एक बैक चार्ट है, आईपीसीसी की रिपोर्ट एट इट, आप वहां पे अपने चार्ट पे छाप लेना, ठीक है, इसे लिख लेना, ये मेंस के लिए है। दूसरा पॉइंट जो बताना था प्रीलिम्स के लिए, ये बताओ, ये लिख लिया आप लोगों ने, ये बताओ, ये बताओ, क्वेश्चन है ये, दूसरा वहीं पहले लिखना, फिर आप लोग, हम लोग ओशियन करंट फिर शुरू करेंगे। डेप्थ ऑफ ओशियन किससे मेजर करते हैं? आया हुआ यूपीएससी का एक लाइनिंग में क्वेश्चन था,
शायद 2002 या 2004 में। फैदोमीटर किससे होता है? फैदोमीटर, ये जरूर याद रखना, इंटरव्यू का क्वेश्चन था ये, ठीक है। मेरे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बताइए ओशियन को अगर कोई डेप्थ है और आपको मेजर करना है तो आप कौन सी यूनिट से मेजर करेंगे या कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेंगे, तो क्या है ये? फैदो मीटर लिख लीजिए इसे वहीं पे अपने नोट्स में, स्टार बना दीजिएगा इस पे। ठीक, अगला ये बताइए अगर फैदोमीटर है तो एक फैथम होगा कुछ, तो एक फैथम कितने मीटर के बराबर होता है या सेंटीमीटर या कितने फीट के बराबर होता है गहराई? मान लो ये ऊंचा, ये मान लो मैं कंटिनेंट पे खड़ा हूं, मेरा ये बेस दिख रहा है आप लोगों को, मतलब जहां पे मैं खड़ा हूं ये बेस तो दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा होगा। ये जो टेबल है मान लीजिए कंटिनेंट है, ठीक है, और ये जो फ्लोर पे जिसपे आप बैठे हो ये समझ लो ओशियन फ्लोर है, आप लोग सार्क हो, तो मुझे मेजर करना हो सार्क, तो मैं यहां से कितने फैथम फैथम ही लूंगा, यूज करूंगा, बता दूंगा इतने फैथम है, मुझे रिपोर्ट भेजनी है भाई इतने फैथम है, यहां पर इतने सार्क है, ठीक है। तो अगर उसी को मीटर में फीट में कन्वर्ट करना है आप लोग कितने, एक फैथम में कितना फीट होता है? वेरी गुड, 6 फीट, ठीक है। हाँ, और इसी को 6 फीट को अगर मीटर में बताना हो तो क्या बताओगे? 1.2 पक्का, 180 सेंटीमीटर करीब में होता है, मेजर कर ही लेना आप लोग, ठीक है। फीट में एक सिंगल लाइन होती है, डबल नहीं होती है, सिविल इंजीनियरिंग में यूज करते थे। क्लियर है ये चीज? तो फैथम जरूर याद रखना ओशियन के लिए, ठीक है। उसने 1.82 बोला था, सही बोला था, 1.2 है वो, मेजर कर लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरी चीज यहीं पे मेजरमेंट बतानी है, नॉट कितने लोग करंट पढ़ते हैं, कितने लोग करंट पढ़ते हैं? अभी देखा होगा बागसीर वेला इन सब का अनावरण किया गया है, तो बताते हैं 45 की स्पीड से चल रही है, तो नॉट किस लिए यूज करते हैं? समुद्री जहाज व जो समुद्र में चलते हैं उनके लिए मेजरमेंट यूज किया जाता है नॉट, ठीक है। तो 1 नॉट में कितने किलोमीटर पर आवर होता है? 1.852, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट याद रखिएगा, लिख लीजिए 1.852, कई बार पूछ लेता है नॉट, 1.852 किलोमीटर पर आवर, यूनिट मस्ट है, ये फीट मैंने लिखा है पहले फिर लिख दे रहा हूं, पता चला कंफ्यूज हो के 6 मीटर बता दो, फीट है यूनिट के लिए पहले, कोई डाउट यहां पर? ठीक है, अब हेडिंग डालिए आप, पहली ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट लिखा था ना हम लोगों ने, लिख लीजिए ड्रिफ्ट, मैं इंग्लिश बोलता हूं ठीक है, तो हिंदी वाले थोड़ा मुझे भी बता देना। हाँ, मैं हिंदी में ही बोल दूंगा, ठीक है, एक्चुअली थोड़ी मेरी हिंदी वीक है और हिंदी में, हाँ, ठीक है। एक मतलब ड्रिफ्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में? प्रवाह, प्रवाह। एक्चुअली मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, वास्तव में बता रहा हूँ, और मैंने हिंदी मेरा एक्चुअली मैं बता दे रहा हूँ बैकग्राउंड ही, मेरा स्कूलिंग पंजाब से हुआ है, ठीक है, मैं शुरू में पंजाब से रहा हूँ और पंजाब में ही पढ़ाई किया हूँ, ठीक है, 12th तक मेरी मीडियम भी पंजाबी रही है। पंजाबी, ठीक है, लिख भी दे रहा हूं, मेरा नाम पंजाबी, ठीक है, तो पंजाब में रहा हूं, पंजाब पढ़ा हूं, पंजाब में सारी स्कूलिंग हुई है, तो एक चीज, पहली चीज तो हिंदी हमें पढ़ाई नहीं गई, 10th तक थी लेकिन बहुत बहुत कम अमाउंट में रहती थी, तो हिंदी भी मेरी वीक है, ठीक, पंजाबी ठीक, तो पंजाबी तो खत्म ही होगी जब यहाँ इधर आ गए तो, ठीक है, तो मेरी हिंदी वीक है इसलिए पहले बता दूं कि अगर हिंदी में आप लोगों को कोई दिक्कत लगे या इंग्लिश वाले में कोई दिक्कत नहीं है, यहां दिक्कत हो तो प्लीज आप बता देना, मैं वहां पे लिखवा भी दूंगा, ठीक है, ठीक है बॉस, बस ये चीज है मैं आपको बता दूं, बिकॉज हाँ कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ लेना जरूर, ठीक है, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। और हाँ नेक्स्ट क्लास में मैंने एक इनके लिए बुक के लिए बोल दिया है,
आप लोग एक वाणी की बुक हो जाती है ना, वाणी आती है, और सविंदर सिंह तो मैंने इंग्लिश में पढ़ी है, मेरी ऑप्शनल रही है, ठीक है, उसी से निकालता हूँ इन सब चीज़ें, एनसीईआरटी यूज़ किया है वो भी इंग्लिश में ही, तो वाणी की बुक मैंने मंगवाई है, उनसे बोल दिया वो दे देंगे, आगे से जो ये हेडिंग्स है ना ये वाली, वो आप लोग हिंदी में भी मैं साथ साथ में लिख दूंगा, ठीक है, आप लोग को डाउट नहीं होगी। मैंने देखा था कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, अगर आपकी मीडियम वही है और कोरिलेट ना कर पाओ तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, तो आज के लिए सॉरी, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को साथ साथ में हिंदी ब्रैकेट में लिखवा दूंगा मैं। कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट, आप लोग जो ये रेड वाली आ रही है, आवाज आ रही है मेरी, जो रेड वाली है ये आपकी वार्म ओशन करंट है, और ऊपर से जो आ रही है ये कोल्ड ओशन करंट है। अभी इनका वास्तव में रीजन क्यों चल रही है और सब जगह इसका नाम क्या है, जैसे विंड में मैंने लोकल में पढ़ाया था, एट इट इज, पूरा क्लियर करते हुए चला जाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, बस दो चार पांच चीजें और लिखनी है, फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे चले जाएंगे। मैं बताता चलूं यार, जो अर्थ है यहां पे दिखाने रोटेट हुए थे, लेकिन रोटेट करेगी अभी, मतलब करेगी ना करेगी, लेकिन कर रही होगी, करती ही है, 1750 किलोमीटर। ये देखिए, ये नॉर्थ अटलांटिक करंट, ये युकाटन, ये अभी गया था, युकाटन आप लोगों ने पढ़ा होगा, चैनल है, युकाटन चैनल से एंटर कर रही है, ठीक है, युकाटन चैनल से एंटर करते हुए फ्लोरिडा पे जा रही है, ठीक है, चलो एक बार देख लो, फिर मैं पूरी क्लियर करूंगा। ये युकाटन से अंदर कर रही है, देखो ये फ्लोरिडा है, ये जो रीजन है ये फ्लोरिडा, मेक्सिको की, मेक्सिको की खाड़ी है, यहां से ये फ्लोरिडा पे टकराया, फ्लोरिडा से होते हुए नॉर्दर्न ड्रिफ्ट बन गया, अभी नॉर्दर्न ड्रिफ्ट होते हुए पहुंचा यहां पर, और यहां पे देखिए, यहां पे सर्कुलेशन हुआ, यहां पे जा रहा है ये ऊपर की तरफ इरमिंगर, ठीक है, ऊपर से लेबराडोर आ रही है, कट करके इधर चला गया नीचे की तरफ रेनेले, और ऊपर जाएगा नॉर्वेजियन, ठीक है, फिर घूमता हुआ बनाएगा कनारी, ठीक है, और कनारी से फिर सर्कुलेशन अपना मेंटेन कर लेगा, नॉर्थ अटलांटिक का पहले बताऊंगा क्योंकि वहां से क्वेश्चन हर बार आता है, देख रहे हो कैसे पूरे अर्थ पे घूम रही है ये, और कंटिन्यूअस चल रही है, ये सदर्न ड्रिफ्ट जो मैं बता रहा, जो बता रहा था, देखिए कैसे गोल गोल घुमा रही है पूरी इसको। मैंने एक चीज कहा था, यूनिवर्सल ट्रूथ कहा था, जैसे विंड सर्कुलेट कर रही है वैसे ओशन करंट भी सर्कुलेट करेगा, और अर्थ के नीचे भी क्या सर्कुलेट कर रहा है, ऐसे मैग्मा, लावा ऊपर इतना बोलते हैं, मैग्मा, तो सारा कॉन्सेप्ट एक ही तरीके से चलेगा, अभी देखिएगा आप। देख रहे हो, एक वही ड्रिफ्ट नॉर्दर्न की तरफ चल रही है, सेम टू सेम इक्वेटरियल से सदर्न की तरफ भी रोटेट होना शुरू कर दी है, समझ गया ना कि क्या चल रही है ये। अब आप आ जाइए सीधे ओरिजिन पे, और मैं आपको जो आपने अभी देखा है उसको पूरा का पूरा एग्जाम में यही आता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है यहीं से आता है, वही अब हम लोग शुरू कर रहे हैं करना। लिखिए ओरिजिन, आप लोगों ने खुद ही देखा ये वर्ड लिख लिया है ना, ओरिजिन एंड डायरेक्शन कॉज, पहला कारण क्या है, आप लोग सिर्फ पॉइंट लिख लोगे, प्री के लिए करना है, मेंस के लिए तो भी कर नहीं रहे, प्रीलिम्स के लिए भी करते हैं, ठीक है, पहला कारण है रोटेशन ऑफ अर्थ, आप लोग लिखोगे नहीं पहले समझ लो, रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ। अब मेरी बात सुनिएगा, ये अर्थ है आपका, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, तो सॉरी, ऐसे ही घूम रही है अर्थ, ये आपका घूम रहा है, अपने साथ ये वाटर करंट को ही मूव करवाएगा, वाटर इसके जस्ट, आप लोग बाल्टी में जब आप रोटेशन करवाते हो देखते हो यहां पे भी वाटर का जो रोटेशन है, जस्ट इसके इसके पैर ये है, यहां पे क्या कहते हैं, इक्वेटर के पास डायरेक्ट करंट इसी के रोटेशन में डायरेक्ट अपोजिशन डायरेक्शन में मूव करने शुरू कर देती है, ठीक है, अभी दिखाता हूं, ओशियन करंट, ये अर्थ है आपका, ये आपका इक्वेटर है, और ये अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, क्या कर रही है ये इसका एक्सिस है, तो इस एक्सिस पे ये रोटेट कर रही है, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट,
जब इसके रोटेशन ऐसे कर रही है तो इसके अगेंस्ट में यहां पे क्या चलेगा, एक ऐसी एक करंट चल रही होगी, कोई इक्वेटर के एकदम सीधे सीधे इक्वेटर के साइड में एक करंट चलती है। ऑब्वियसली बात है, मुझे इस हाथ को एकदम जोर जोर से घुमाओ, यहाँ पानी होगा तो देखो ऐसे उल्टा चलता हुआ पानी आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये वाटर डायरेक्ट इस डायरेक्शन में चलते हुए दिखाई देती है, ठीक है। कुछ यहाँ पे टकराने के बाद काउंटर करंट बन जाता है, पीछे की तरफ चली जाती है वाटर, और कुछ यहीं से कुछ टकरा के कुछ इस डायरेक्शन में चली जाती है, कुछ टकरा के इस डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन के वजह से जो वाटर का मूवमेंट है, क्लियर हो रहा है, वाटर का मूवमेंट ऐसे हो रहा है और किसी चीज से टकरा के फिर ये डायरेक्शन अपना चेंज कर लिया। मैं किसी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब वहां पे आऊंगा तो बताऊंगा क्यों टकरा रही है और कहां पे टकरा रही है, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ एक कॉज है जिसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट होती है वाटर, क्या कहते हैं, ओरिजन होता है ओशियन करंट, ठीक। मेन रीजन यही है। दूसरा क्या आएगा, कोरियोलिस फोर्स। अब आप देखोगे कोरियोलिस फोर्स, मैंने बताया था आप लोग कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स किधर लगता है, कितने लैटिट्यूड के बाद कोरियोलिस फोर्स लगने से स्टार्ट हो जाता है, 10 डिग्री के बाद स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है जो यही ओशन करंट, ये बताइए वाटर इस रीजन में होगा, कोरियोलिस फोर्स लगेगा तो पानी को किधर ड्रिफ्ट करेगा, लेफ्ट या राइट, नॉर्दर्न स्पेयर में, वेरी गुड, नॉर्दर्न स्पेयर में कहां ड्रिफ्ट करेगा, राइट, और सदर्न स्पेयर में लेफ्ट, क्लियर है। अगला पॉइंट टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है, यहां बताइए ये पोल है और ये क्या है, इक्वेटर, टेम्परेचर डिफरेंस है और टेम्परेचर के डिफरेंस की वाटर की मूवमेंट ऊपर नीचे होगी होगी, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट होता है। अभी ये सब अभी जब मेंस के लिए लेके जाऊंगा ना, इसी क्वेश्चंस को बहुत ब्रीफली डिफाइन करूंगा और फिर ब्रीफली डिफाइन करके मैं आपको एक पॉइंट बता दूंगा कि क्या है, यहां से क्वेश्चन आते नहीं है, ये बस आपको पता होना चाहिए किसकी वजह से वैसे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन जहां से आते हैं हमें डायरेक्ट वहीं जाना चाह रहा हूं, समझे बच्चा, ये चीज है। चौथा आपको प्रेशर पता ही है, प्रेशर ग्रेडियंट, पांचवा हो गया, पांचवा सेलेनिटी, एक सेलेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अभी आपको सेलेनिटी जरा एक बार समझा दूं मैं। यही इमेज देखिए एक बार आप, ये अच्छा ये देखिए, ये अरब सी है और ये बेमंगल, ये जो ग्रे वाला है ये कंटिनेंट है, ग्रे वाला क्या है, कंटिनेंट है, और ये क्या है, अरब सी है और ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। आप सेलेनिटी जब देखोगे, ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ रिवर्स आ रही हैं, क्या आ रही हैं, नंबर ऑफ रिवर्स आ रही हैं, और नंबर ऑफ रिवर गंगा आ रही है, ब्रह्मपुत्र आ रही है, यहां पर कृष्णा गोदावरी आ रही है, तो यहां पे जो ये कलर देख रहे हो आप, यहां पे फ्रेश वाटर मिलने की वजह से यहां पे सेलेनिटी कम होती है, फ्रेश वाटर मिलने की वजह से यहां पे सेलेनिटी कम होती है, और यहां पर कोई रिवर्स आके मिलती नहीं है तो यहां पे सेलेनिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ज्यादा कंटेंट होने की वजह से पानी, सेलेनिटी ज्यादा होने की वजह से आप लोग अभी समझ नहीं पाओगे, लेकिन अगर यही ऑप्शन में थोड़ा देखते तो ये इसको दबा देता है नीचे की तरफ, ठीक है। और यहां पे फ्रेश वाटर होने की वजह से यहां पे पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं तो फ्लो ऑफ वाटर ऐसे होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं, बस आप ये समझ लो कॉन्सेप्ट, मैं इस सबको बाद में ले आऊंगा, ठीक है, जब सिलेंडरी बता रहा हूंगा। तो कोरियोलिस फोर्स, ये पांच पॉइंट आप फटाफट अपने पॉइंट पे लिख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट हम चलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन करंट पे, क्या अच्छा, हाँ ग्रेविटी भी होती है, ग्रेविटी का इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन मेजर ये पांच है, आएगा जो भी आएगा वो सब सही रहता है। बस एक एक वर्ड मैंने बोला है कि रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, बस यही एक फैक्टर है जो रोटेशन में कोई मदद नहीं करता है, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन हिंदी में क्या कहते हैं, परिक्रमण, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ जो है ये नहीं करेगा, बाकी सारे फैक्टर्स को इंपैक्ट करेंगे,
बस ये पॉइंट लिख लो कि ये नहीं करेगा, बस ब्रैकेट में लिख के लो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ को इसके डायरेक्शन मूवमेंट में नहीं करेगा, बाकी सब करेंगे। प्रेशर ग्रेडियंट लिखा है, डिफरेंस प्रेशर ही बस लिख लो, ग्रेडियंट नहीं लिखने का मन है। एक्चुअली प्रेशर यहां ज्यादा है यहां लो है, तो ऐसे मूव करेगा ना, विंड मूव कराएगी। विंड जरूर लिख लेना, ये कोरियोलिस फोर्स मतलब यहां पे मदारों में विंड है, ये ब्रैकेट में विंड कर लेना, ऐसी गलती ना कर देना। हो गया ये। अब इसके मेंस में और क्या पूछता है, ये मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। मेंस में और पूछ लेता है कि ओशन करंट के बेनिफिट्स क्या है, ओशन करंट के बेनिफिट्स क्या है, और पूछ लेता है कि नेगेटिव क्या है, दो चीज और पूछ लेता है। ये हम लोग अपना उस सेक्शन में करेंगे जब पहुंचेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रीलिम्स में, जो पूछा जाता है एग्जाम में। बेसिक्स इसके समझ में आ गई, कैसे विंड चल रही है वो समझ में आ गई, अब चलाएंगे हम लोग। बस मुझे बेसिक्स ही बतानी थी। अब आप लोग का यहां से सेक्शन स्टार्ट, जो प्रिलिम्स में आता है। ओशन करंट्स, ओशन करंट्स दो तरीके की होती हैं। एक कौन सी होती है, वॉर्म, और एक कौन सी होती है, कोल्ड। एक वॉर्म होती है, एक कोल्ड होती है, ठीक है। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ, हेडिंग डालिए नॉर्थ अटलांटिक ओशियन करंट। पहला टॉपिक यहां से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन करंट। सिर्फ पहला क्वेश्चन जो यूपीपीएससी ने पूछा है, इर्मिंग करंट जो होता है ये कोल्ड करंट है या वार्म करंट है। इर्मिंगर कोल्ड करंट है, वेरी गुड। और कोई, यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों का क्वेश्चन है ये, और कई बार टेस्ट सीरीज में आपको दिख जाता है ये क्वेश्चन। इर्मिंगर करंट जो है वो कोल्ड है या हॉट है, कैसा है? हॉट करंट है, ठीक है। और कोई अपना कुछ बताएगा, मतलब बाकी सब जनता बताए बताए, गलत या सही मैटर नहीं करता, मैटर होता है आप बोल रहे हो। नहीं पता है, डजेंट मैटर। हाँ सर, गोल्ड होगा नहीं होगा, मैं कौन सा आप लोगों का पैसा मांग लूंगा क्या? अरे बोलोगे क्या है, कोई बात नहीं। हॉट करंट है, क्या है ये? वार्म करंट है, एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा, रेनेले करंट, रेनेले हॉट है या कोल्ड है? हॉट है, कैसा है? हॉट है। कैलिफोर्नियन करंट हॉट है कि कोल्ड है? अब मैं आप लोग को दिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट, क्यों हॉट है, क्यों कोल्ड है, और क्यों कैसे चल रही है, ठीक है। और जहां भी आप लोगों को, अब मैं जब लोकेशन आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना, डेजर्ट, डेजर्ट जब बता रहा हूंगा तो वहां देखना, जहां जहां आप लोगों को डेजर्ट दिख जाएगा एकदम नाम दिखेगा, तुरंत मार देना कोल्ड करंट, ठीक है। तुरंत इसमें नॉर्थ अटलांटिक करंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसमें आप डालो वार्म करंट और कोल्ड करंट। अब कॉन्सेप्ट में वहां पे लेके चला जाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। हेडिंग डाल दिया नॉर्थ अटलांटिक करंट आपने, ये हेडिंग डाल दिया है, ठीक है, अपना डाल लीजिएगा। अब वार्म करंट के लिए क्या फैक्टर है और कोल्ड करंट के लिए क्या फैक्टर है? तो वार्म करंट के लिए फैक्टर क्या है कि वाटर की जो मूवमेंट होगी, अब आप लोग लिखोगे नहीं, अब मुझे देखोगे बस, ठीक है। वाटर की जो मूवमेंट होगी, पानी, जल का जो मूवमेंट होगा, जल का जो मूवमेंट होगा वो इक्वेटर से पोल की तरफ चलेगा, किधर की तरफ? पोल की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा। और कोल्ड करंट में जो वाटर की मूवमेंट होगा किधर होगा? वेरी गुड, पोल से, किसकी तरफ आवाज आनी चाहिए? पहला कंडीशन, यहां तो सिर्फ एक ही कंडीशन, ये क्या हो गया? टेक्निकल, ठीक है, वेरी गुड। तो पोल से इक्वेटर की तरफ, पहला पॉइंट इसका क्लियर है, दोनों में दो पॉइंट क्लियर है। क्या वार्म करंट में और कोई कंडीशन है? और कोई कंडीशन है?
अस्थल से सागर, अस्थल सागर वो अलग है। और कोई करंट क्वेश्चन? नहीं। दूसरा, यहां पे कोल्ड करंट में कोई कंडीशन, कोल्ड कंडीशन में कोई कंडीशन है? एक एक है, कौन सी? बहुत इंपॉर्टेंट, आते ही मैंने पूछा, आप भी लोग से दागा था कि क्या है वो। अप वेलिंग। क्या पूछा था? क्या है? अप वेलिंग। और यहां बना लीजिए स्टार, सॉरी मेरा ये। ठीक है, और क्या है यहां पे? अप वेलिंग। दो चीजें वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पहले भी था। और तीसरा, एक इन्हीं दोनों के डायरेक्शन में इंपैक्ट डालता है नोट। चलो नोट जब मैं इंडियन ओशन कराऊंगा तब वहां करा दूंगा, छोड़ दीजिए अभी से, क्योंकि एक जो अपना मानसून है ना इंडिया का, इंडिया को यूनिक बना देता है, ऐसा फीचर कहीं दिखाई नहीं देता है। ठीक है, मानसून के दो विंड मैंने बताए थे, कौन कौन से थे? एक तो मानसून है, दूसरा कौन सा विंड था? कहां चलता है? सेंट्रल अमेरिका। कहां चलता है? कहां चलता है? रट जाना चाहिए ऐसे ही। ठीक है, ये दो कंडीशन कब समझ में आ गई आप लोगों? इसकी एक है, इसकी दो है। ठीक, हेडिंग डालिए नॉर्थ अटलांटिक करंट। सब लोग अपना अपना एटलस खोलिए, और एटलस पे 103 नंबर पेज है, चाहे जो भी आप लोग का पेज नंबर है वहां पे, पेज नंबर पे आ जाइए। सब लोग के पास नॉर्थ अटलांटिक खुल जाना चाहिए। यहां से क्वेश्चन 100% बनता है, यहां से क्वेश्चन 100% बनता है। अब यहां पे आप लोगों को फोकस करना मस्ट है। ये इमेज क्लियर हो रही है क्या आप लोगों को? ये इमेज क्लियर हो रही है? ये इमेज क्लियर हो रही है? मिला नहीं क्या आप लोगों को एटलस में? ऑक्सफर्ड कितने लोगों के पास है? ऑक्सफर्ड है, मिल गए? कितने लोगों को मिल गया, हाथ खड़े करो। जिन को नहीं मिला वो पेज नंबर बता दो, बाकी लोग ढूंढ लें। एटलस के पास ना, दूसरे इनके पास आ जाओ, आपके पास एटलस नहीं है तो इनके पास आ जाओ, इनके पास। सचिन, आप लोग पास एटलस नहीं है? दोनों लोग पास नहीं, आप आगे जो दो लोग हैं। नहीं, ये अगस्त नहीं है तो कौन सी नहीं है? किसी के पास दो एटलस है तो एक उन लोगों को दे दीजिए। अगस्त नहीं है, वो पीछे जो बैठे उनके पास चले जाइए, चाहे नेट। ये देखिएगा, ये जो इमेज है ना, ये जो इमेज आप लोग को दिख रही है, ये इमेज कुछ यही वाली है। ये जो इमेज आप लोग देख रहे हो, मुझे भी देख लो एक बार इधर, ये जो इमेज जो दिख रही है, ये वाली इमेज है। इधर आप लोग को दिख रहा होगा अफ्रीका, क्या है ये? अफ्रीका। ये यूरोप। अगला टॉपिक स्टेट के बाद इसी को लेना है हम लोगों को, पूरा माउंटेन वाउंटेन। ये क्या है? नॉर्थ। और ये क्या है? एटिटीज। ये दिख रहा है अफ्रीका, ये क्लियर है। अब यहां पे ये इक्वेटर है, नीचे ये जो लाइन जा रहा है इक्वेटर है। मैंने कहा था जब ये अर्थ ऐसे रोटेट करेगी बहुत तेजी से, तो इसके साथ जो वाटर जो है ना, अपने साथ रिलेटिवली इसको लेके इधर लेके पुश करेगा। और जब वाटर इसको इधर लाके पुश करता है, तो यहां पर एक जगह के नाम है ब्राजील। ये पूरा रीजन ब्राजील है, ठीक है, ब्राजील है। और ब्राजील के एक जगह का नाम है, उस जगह का नाम मुझे भी नहीं आता। हाँ, केप सू। क्या नाम है? केपसू। अभी आप लिखेगा नहीं, मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद लिखेगा आप लोग।
यहां से ये जब आपने को मैंने दिखाया रोटेट करते हुए, ठीक है, विजुलाइज करिएगा प्लीज, इधर देखिए, आप लोग के विजुलाइजेशन से ही ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी कॉपीज ये नाम और जो मैं बताऊंगा वो नहीं देती हैं, हम लोगों उन्हीं नामों की तरफ जाना है, ठीक है। ये रोटेट कर रही है, काउंट यहां पे करंट के जस्ट इक्वेटर की तरफ में चलेगी, ये देखिए यही करंट चल रही है, तो केप्सू से टकरा के कुछ पानी वापस हो जाता है, ठीक है, जो डोल्ड्रम वाला रीजन है, और कुछ ऐसे ही चला जाता है, तो यहां टकराता है, और टकराने के बाद ये देखिएगा अफ्रीका से साउथ अमेरिका मतलब ब्राजील से टकराएगा, और ब्राजील से टकरा के ये एंटेलीज, ये कैरिबियन आइलैंड है, कौन सा आइलैंड है मेरी आवाज बहुत तेज तो नहीं आ रही है, तेज जरूर बता देना, हटा देंगे यहां, बंद कर लेंगे, ठीक है। तो एंटेलीज ये कैरिबियन आइलैंड है, कैरिबियन आइलैंड है यहां पे एंटेलीज, जब यही यही वाली करंट याद रखना, ये इक्वेटर वाली करंट है, और मैंने कहा था वॉर्म करंट, क्या बोला था, वॉर्म करंट, वॉर्म करंट कहां से कहां जाती है, इक्वेटर से पोल, तो ये इक्वेटर पे चल रही है, और इक्वेटर पे आई केप सू पे, समझना मेरी बात, कहां पे टकरा रही है, केप सू पे टकराई, और टकरा के फिर ये ऊपर की तरफ निकली, ठीक है। तो कैरिबियन आइलैंड को पास करेगी, जब ये कैरिबियन आइलैंड को पास करती है तो इसी करंट का नाम है एंटिलीज, क्योंकि यहां पर एंटिलीज आइलैंड हैं, क्या क्या नाम है। और जैसे ही इसको घुसेगी तो यहां पे है क्यूबा, और क्यूबा और इधर सेंट्रल अमेरिका के बीच का एक पैसेज है, उस पैसेज को कहते हैं युकाटन, युकाटन चैनल, ठीक है, इसलिए मैं इसके बाद स्ट्रेट ही पढ़ाऊंगा, युकाटन चैनल, युकाटन चैनल में घुसती है, तो ये कौन सा सी है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, और ये जो बाहर छोटा सा निकला हुआ है आप देखोगे ये फ्लोरिडा है, अमेरिका का एक स्टेट है उसका नाम है फ्लोरिडा, तो फ्लोरिडा स्टेट से ऐसे पास करेगी, ठीक है। और जैसे ही ये मैक्सिको को पास करते फ्लोरिडा स्टेट से घुसती है, उसको कह देते हैं फ्लोरिडा करंट, क्या बोलते हैं, फ्लोरिडा करंट, मेरी बात समझ में आ रही है, आवाज आनी चाहिए, मेरी बात समझ में आ रही है। तो देखना इसके लोकल की वजह से इसके नाम चेंज होते जा रहे हैं, है एक ही चीज, इसी लोग लोग बहुत ज्यादा याद करने लगते हैं, याद है विंड ऊपर से तीन ही आ रही थी, अलग अलग नाम थे, थी एक ही चीज, वैसे एक ही करंट है, नाम इसके अलग अलग हैं, ठीक। तो इसीलिए अब आपको कोरिलेट कर लोगे, परमानेंट याद हो जाएगा, फ्लोरिडा इसका स्टेट है, और फ्लोरिडा के इसका नाम पड़ गया क्या, फ्लोरिडा स्टेट। अब यही करंट आगे बढ़ती है, और यहां पर आ जाता है आपका ड्रिफ्ट, याद करिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वेस्टर्लीज, क्या पढ़ाया था, और वेस्टर्लीज यहां पे जबरदस्त प्रिवलेंट है, लैटिट्यूड वेस्टर्लीज का लैटिट्यूड मैंने प्रेशर बेल्ट में बहुत कायदे समझाया था दिखाते हुए यूट्यूब पे भी, ठीक है। तो यहां पे वेस्टर्लीज के साथ अपने साथ ले लेती है, ये इसी डायरेक्शन में चल रही है वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज नॉर्थ डायरेक्ट नॉर्थ हेमिस्फेयर में किस डायरेक्शन में चलती है, किस डायरेक्शन चलती है, और मैंने कहा था देखने का तरीका जिस तरीके से चले उधर अपना मुंह कर लीजिए और अपना हाथ देख लीजिए, मेरा हाथ है कौन सा है, राइट है, और ये किधर जा रही है, मतलब फेरल का लॉ यहां सही था, सही था। अब इसी पानी को अपने साथ ही ड्रिफ्ट करेगी, अब जैसे ही ड्रिफ्ट करती है तो ये गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है, क्यों, मैंने स्ट्रीम बोला था, यहां तक ये करंट चल रहे थे लेकिन यहां इसको स्ट्रीम बोल दिया गया, यस स्ट्रीम का डेफिनेशन मैंने बताया था, स्ट्रीम की डेफिनेशन सिर्फ दो चीजें है, पहली चीज क्या थी, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, क्या था, और यहां पे देख लो कितना कम कम वाटर लेके चल रही है, पैसे छोटा है यहां पे पूरा फैल जाती है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और दूसरा स्पीड है ज्यादा, क्योंकि स्पीड ज्यादा यहां क्यों हो गई, यहां पे कोई विंड का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, यहां रोटेशन है, लेकिन यहां पे वेस्टर्लीज भी एकदम दाब दे रही है, तो एक तो अमाउंट ऑफ वाटर और वेस्टर्लीज भी दबा रही है, तो स्पीड यहां पे बढ़ गई 45 डिग्री के अप्रोक्सीमेट में। अब ये जैसे गोल घूमी तो इसको बोला गया गल्फ स्ट्रीम, क्या बोला गया, और गल्फ स्ट्रीम जैसे ही आगे बढ़ती है तो यहां पे आता है स्कोआ नोटिया, ठीक है, या फिर फॉकलैंड, ये फॉकलैंड सॉरी, यहां पे क्या बोलते हैं उसको, न्यू फाउलैंड बोलते हैं, फाउंड न्यू फाउंडलैंड, ठीक है, कनाडा का, और इसी कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के पास यहां से एक करंट आती है, मैंने कहा है ठंडी करंट कहां से आएगी, और पोल से एक करंट आती है, इसका नाम है लेब्राडोर, क्या नाम है, और लेब्राडोर और यही गल्फ स्ट्रीम आपस में मिलती हैं, तो यहां पे एक बैंक बनाती हैं, वर्ल्ड बैंक, कैसा बैंक, वर्ल्ड बैंक, एसबीआई बैंक, आरबीआई बैंक, ये बैंक क्या करते हैं, पैसा देते हैं, तो ये ग्रैंड बैंक किस लिए फेमस है, मछली के लिए फेमस है, ठीक है,
यही बताना चाहता था कि ये वर्ल्ड बैंक वाला बैंक मत समझना, कभी डॉगर बैंक आ जाए या फिर जॉर्ज बैंक आ जाए, ठीक है, तो यहीं पर ये दोनों गर्म और ठंडी हवा मिलती है और भाई साहब जबरदस्त मछलियां मिलती हैं, ठीक है। हाँ वृद्धि होती है, बिल्कुल सही। तो इसी वजह से इसका नाम रखा गया है क्या, ग्रैंड बैंक। क्या रखा गया है, ग्रैंड बैंक, ठीक है। वैसे यहां पे जॉर्ज आता, मैं बता रहा हूं वहां पे दोनों मिलते हैं तो ग्रैंड बैंक बोलते हैं। तो यहां पे आया ग्रैंड बैंक, खूब मछलियां मिली, ठीक। और फिर ये आगे बढ़ जाता है, ठीक। और जैसे ही आगे बढ़ता है तो यहां पे टकराता है, आइलैंड आता है, यहां पर एक आइलैंड है, ठीक है, छोटा सा। इस आइलैंड से एक्चुअली वाटर का कंटेंट इतना ज्यादा है तो ये यहां पे इसने दिखा नहीं पाया है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग क्लियर ही नहीं होती है वो चीज जो एग्जाम यूपीएससी पूछा था और पीसीएस ने भी पूछा था, अपना पेपर उठा देना। यहां पर टकरा के ये तीन भागों में डिवाइड हो जाती है। एक ये आइलैंड जो दिख रही है, आइसलैंड है ये, आइसलैंड से टकरा के एक वाटर ऊपर जा रही है, एक इसको बोलते हैं इर्मिंगर। क्या बोलते हैं, इसी का पार्ट है, देख लो, इसी का पार्ट है, नॉर्थ तरफ जा रही है इर्मिंगर। क्या बोलते हैं, एक सीधे चली जाती है जिसको बोलते हैं नॉर्वेजियन, और एक यहीं से घूम जाती है नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं रिनेले। क्या बोलते हैं, रिनेले। ये तीनों चीज मेरी याद रखे, मेरी उंगलियां ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, किसी को डाउट, कोई आवाज आनी चाहिए यार, क्लियर है, ठीक। और मेरी बात याद रखना, इसीलिए इस नॉर्वेजियन करंट को क्या कहते हैं, गेटवे ऑफ रशिया या यूरोप, क्योंकि ठंडियों में ये ठंडी चल रही है ना, यही करंट का सबसे ज्यादा फ्लो होता है। और यहां पे यूरोप के एक यहां पे पोर्ट है, नाम क्या है, रशिया का एक पोर्ट है बहुत फेमस, यहीं पर जाके पूरा आइस को मेल्ट कर देता है और यहां पे नेविगेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, पहला पॉइंट। और फिर यहां से ये घूमती है और यहां सारे घूम के यहां पे आ जाती है इधर, ठीक है। और जैसे ही रेनेले यहां घूमती है तो मैंने यहां पे तीन आइलैंड के नाम बताए थे। पहला आइलैंड यहां पे कौन सा था, सबसे ऊपर कौन सा, कौन सा, मडीरा। मैंने मैपिंग करवाई थी, यूपीएससी और पीएससी डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था। किस ईयर का क्वेश्चन था ये, मडीरा 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला आइलैंड मडीरा, दूसरा आइलैंड कनारी, और तीसरा केप वर्डे। केप वर्डे की राजधानी, केट वर्डे की राजधानी प्राया, ठीक है। और याद रखिए यही तो कनारी है, और इस कनारी पे राज किसका है, स्पेन का, यूरोपियन कंट्री, इसलिए इस धारा का नाम उसने बता दिया भाई ये कनारी करंट है। और कनारी करंट फिर कहां के मिल गई, कहां मिल गई, इक्वेटोरियल में। और जब ये बीच में बनाए एक सर्कुलेशन, यहां पे वाटर का सर्कुलेशन हो नहीं रहा है तो यहां पे सीवीड्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, सीवीड्स, क्योंकि पानी देख रहा है ऐसे घूम गया कई हजार किलोमीटर में, ठीक है। तो यहां पे वाटर फंस जाता है और यहां पे सीवीड्स इकट्ठा हो जाती हैं, तो यहां पे एक सी बनता है, उसका नाम क्या है, सारगोसा। इसलिए पूछा जाता है कि सारगोशा वीड जो है ये क्या है, ठीक है, तो ये क्या है, सी है। कहां पाया जाता है, अटलांटिक में। क्या सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, क्या सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, सिर्फ एक करंट चल रही है और सबको फंसा रही है, सब लोग याद करते हैं, अरे रिनेले उधर चलता है, ओशन यहां चलता है, वो यहां चलता है, क्लियर हो गया पूरा, सिर्फ एक करंट आपको ले जा रही है। अगली पॉइंट यहां जो बताना चाह रहा था, टाइटैनिक कितने लोगों ने देखी है, ईमानदारी से हाथ खड़े करना, झूठ नहीं, देखिए टाइटैनिक। टाइटैनिक जो जहाज थी वो क्यों डूबी थी, आइसबर्ग के सामने, ठीक है, किसके वजह से डूबी थी, आइसबर्ग के, ठीक है, आइसबर्ग की वजह से डूबी थी, ठीक भाई साहब। वो आइसबर्ग कहीं और नहीं था, ये जो लेबराडोर दिख रही है ये ऊपर से आ रही है, अपने साथ ही आइसबर्ग लेके आई थी, ठीक है, और यहीं से टाइटैनिक चली थी, आइसबर्ग लेके आई और यहां पे इसको ऐसे जाना था, इसी के रास्ते में लाई। और आइसबर्ग की एक प्रॉपर्टी होती है, कितना पार्ट दिखाई देता है ऊपर, 1/2, बिल्कुल सही, एकदम छोटा सा पार्ट, मतलब 10 पार्ट है तो उसका इतना पार्ट ये दिखाई देगा और इतना नीचे ये डूबा रहेगा। कैप्टन साहब समझे, रात में लेक निकल जाएंगे, टकराए कम से कम कई हजारों को लेकर निकल लिए, ठीक है। तो वो लेब्राडोर कौन सी थी, यही लेब्राडोर आपकी वो करंट थी, ठीक है। और एक क्वेश्चन बता दो, टाइटैनिक जहाज बनाई कहां गई थी, कई बार एग्जाम में पीसीएस की पूछा गया है इंडस्ट्री के नाम से, अच्छा फ्रांस में बनाई, बहुत फेमस है वो जगह, और स्टिल 2019 या 20 में पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ये नहीं पूछा था कि टाइटैनिक कहां बनाई गई है, पूछा जाता है कि शिप बिल्डिंग इक्वल टू नाम दे दिया है, होमवर्क, ठीक है, कुछ आप भी लोग मेहनत कर लें। तो टाइटैनिक क्लियर हो गया, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए वो, ठीक है।
तो ये क्लियर हो गया पूरा कॉन्सेप्ट आपको, या एक करंट से आपने सब कुछ समझ लिया? अब हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है? आ जाइए, ये कोई डाउट है यहां पे? किसी को डाउट हाथ रेज कर सकता है, किसी को डाउट? अब मैं जब मैं कनारी बताऊंगा तो वहां पे लिखवाते से आप लोगों को बताऊंगा क्या अपवेलिंग, अपवेलिंग होती क्यों है और क्या होती है अपवेलिंग, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक? आ जाइए, आपका वर्ल्ड वर्ल्ड मैप है वो तो आपके पास है, उस पे आप बनाओगे, ठीक है? पहले अपनी शॉर्ट कॉपी पे हाथ सेट करिए, वर्ल्ड का मैप, ये अटलांटिक ये वाला दोनों का मैप बनाइए, मैं भी बना रहा हूं आप भी बनाइए। आपका हाथ मैप पे खुद सेट होना चाहिए, तभी जाके ये चीजें याद होंगी, ठीक है? हाथ खुद सेट होना चाहिए, मेरी बात समझ में आ रही है? सब लोग अपना हाथ सेट करेंगे, फटाफट मैप बनाइए। पहला काम, चलो भाई सबसे पहले इजिली लाइन ले लेंगे हम लोग, एक और दो, इसको मान लिया हमने इक्वेटर, ठीक है? इक्वेटर, और हमें नॉर्थ ऊपर वाला ही चाहिए, नीचे वाला तो अभी चाहिए नहीं, ठीक? तो आपको पता है ऐसे मैंने यही बताया था, ये अलूशिया आइलैंड को आप बाहर निकालिए, साथ में थोड़ा इधर निकालिए तो आपका कनाडा वाला पार्ट 49 डिग्री चैनल निकल गया, थोड़ा सा नीचे लाइए, और ये आपका कौन सा गल्फ बनाया मैंने, पहले मुझे देख लीजिए फिर आप लोग बनाइएगा, पहले मुझे देख लीजिए, यहाँ कौन सा गल्फ बनाया मैंने, कैलिफोर्निया, फिर नीचे लाया, फिर मैंने इसको ऐसे उठाया, फिर ऐसे ही उठा के फिर मैंने ये बना दिया, और फिर ये जो मैंने निकाला है बाहर साइड में, थोड़ा बाहर निकल गया, ये क्या है? Yes. क्या है ये? फ्लोरिडा स्टेट है, कौन सा स्टेट है? और यहीं पर मैं ये अगर मैं दिखा दूं, ये कैरिबियन आइलैंड, तो ये कौन सा चैनल बना रहा है, कौन सा? और यहां पे चैनल कौन सा है? युकाटन, वेरी गुड, मुझे भी यही सुनना था, लेकिन मैंने थोड़ा मैपिंग थोड़ी सी गलत की, इसलिए कहा आप लोग मत बनाइएगा, क्योंकि ये जो लाइन है ना इसके से पास करती है ना, बी से पास होती है, इसके बाद पास करवा लेंगे। यार क्या हो गया? अच्छा आप लोग नहीं बनाएंगे जब तक मैं ना बना लूंगा, इसलिए बिकॉज आप लोग नाम बताओगे ना मैं कुछ पूछना चाहूंगा आप लोगों से। तो ये मान लीजिए ये है, तो ये यूकाटन चैनल, आपको ये कौन सा चैनल है फ्लोर कैरिबियन आइलैंड के बगल में, और ये ठीक है, ये कौन सा वो है साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, यहां पे आ गया ग्रीनलैंड, इसको ऐसे गुजार देना पहले लाइन, अब ठीक है? और यहां पे मैंने बना लिया, ये कौन सी जगह है? अफ्रीका, ठीक है? और यूरोप कैसे बनाना है, छोटा सा ऐसे बनाइए, नीचे लाइए, इटली को ऐसे दिखाया, यहां लाके मिला दीजिए, ये हो गया, ऐसे खींच लिया। यहां पे एक जगह है जिसका नाम है क्या है ये कौन सी जगह है? अरे इंग्लैंड है भाई, वो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन इंग्लैंड ही है, कुछ समझ में वैसे ही कुछ दिख रहा है कि कुछ अलग दिख रही है, कुछ मैपिंग सही लग रही है ना? फटाफट आप भी लोग अपने मैप बनाइए, और एटलस आप लोग जो खरीद के लाए हैं वो भी अपने पास रखिए, दोनों काम करने हैं एक साथ। देखो भैया कौन कौन बना ले रहा है, थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत बढ़िया। एटलस आपके पास है? आपका एटलस है, आपका बॉस एटलस? अरे नहीं वो ये तो आपने बनाया है, वो आपका वाला जो ये वाली चीज मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ये वाली एक्स्ट्रा हो तो किसी को दे दो यार, अगली बार ले लेना, ठीक है? वेरी गुड, आड़ा दर्जा कुछ भी बन, नहीं, प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस से ही होगा क्योंकि ये आपको मेंस में बनानी है, वेरी गुड, गलत सही बने एक बार नहीं 10 बार, बिल्कुल सही है, वेरी गुड बच्चा, ये वाली दूसरी लाइन तो खींचिए आप, वेरी गुड। मैं बताऊं आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बस प्रैक्टिस करिए, मैं बाद में बनवा दूंगा, जैसे कि
जैसे कि मान लीजिए ये वाली लाइन आपने लिया, ये बाद में खींचेगा, कभी सबसे पहले ये आप मैप देखोगे तो ये ऐसे निकालिए, ये एलुशियन आइलैंड है जैसे आप देखोगे यहाँ पे, तो ये देख रहे हैं ये वाली, ये एलुशियन आइलैंड लिखा है यहाँ पे, तो एलुशियन आइलैंड आपने निकाला, फिर नीचे खींचा, ये लाइन हटा दीजिए, मान लीजिए हटा दिया मैंने, फिर इसको थोड़ा सा बाहर निकला, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आके ये बाहर निकला है, ठीक, बाहर निकल के डायरेक्ट नीचे ऐसे लीजिए, ठीक है, फिर ऐसे मिलाइए, ये आपका गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया हो गया, ठीक है, फिर ऐसे नीचे लाइए, फिर ऐसे ये गल्फ ऑफ फ्लोरिडा निकाल दिया आपने, फिर आइलैंड यहाँ पे वो बाद में ले लेंगे, ये देखिए कुछ वैसा बनता हुआ मिलता हुआ बन गया, ऐसे ही जस्ट इसके पास से टच करते हुए निकालिए, मैंने अस्थमस बताया था याद है, ये अस्थमस ही है वही चीज़ जो मैंने बताया था, ऐसे निकालिए, 3 बार ऐसे घुमाइए, फिर 3 बार नीचे लाइए और फिर ऐसे ले जाइए, और इसको बाहर निकाल के ऐसे लाके मिला दीजिए, ये फोकलैंड हो गया, यहाँ से डायरेक्ट लाइन खींच दीजिए, ये आपका इक्वेटर हो गया, ये आपका 23 डिग्री एंड हाफ हो गया, कैंसर हो गया, क्लियर है। और यहाँ पे थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया जानते हैं कि ये इसको ऐसे लाइए, यहाँ थोड़ा बाहर निकालिए इससे नीचे, और फिर ऐसे दिल विल करके घुमा दीजिए, ऐसे देख रहे हैं दिल ऐसे करके घुमा दीजिए, सेम कुछ बनता दिख रहा है ये आपका अफ्रीका, कोई डाउट बना लिया बच्चा आपने, वेरी गुड, बन गया उधर बन गया बन गया, अरे कोई बात नहीं बन गया सबका, ठीक है। अब हमें करना क्या है इसमें, अब हमें बताना है, ये पहली बात तो ये इक्वेटर है, ठीक है, आप लोगों ने देखा है अभी चार्ट देख लिया था, आप लोग दोनों चार्ट एक साथ मैप बनाते हुए चलेंगे, ठीक है, अर्थ ये रोटेट कर रही है, अब मुझे देखिएगा आप लोग सब छोड़ दीजिए, अब अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, रोटेट करने के वैसे यहाँ पे जो वाटर होगा वॉर्म को हम लोग रेड से दिखाएंगे, ठीक है, ये बताइए, हाँ ज्योग्राफी कर रहे हो आप लोग तो हमेशा 2 या 3 पेन लेके आइएगा, एक ब्लू पेन वो तो रहेगा ही, एक रखिएगा रेड पेन और एक रखिएगा ग्रीन पेन, ग्रीन को रखिएगा ठंडा, रेड को रखिएगा गर्म, ठीक है, नोट्स अच्छे बनेंगे। यहां पे इक्वेटर है तो यहां पे वाटर क्या होगा, और मैंने कहा था कौन सा रीजन है ये, केप सू, केप सू, एक और नाम है इसमें जोड़ा देख लीजिएगा, मुझे सू याद आ रहा है क्योंकि मैं जूते से याद करके रखा था, सू सू करके है कुछ, कहीं कहीं लिखता लिखा मिला मिलता नहीं है, तो बहुत डेप्थ में गए थे तब जाए कहीं कुछ मिला था ये, तो यहां पे देखिएगा केप, केप का मतलब होता है कोना, क्या होता है कोना, निकला हुआ कोना, ठीक है, तो यहां पर आता है, आप लोग मत बनाइए अभी, पहले मुझे देख लीजिए, फिर उसके बाद आप लोग दोनों टाइम आराम से बनाइएगा, बहुत मजेदार चीजें होती हैं यार ये, ठीक है, तो यहां पे केप और सूप ये टकराई, ठीक है, केप सू पे टकरा के बाद ये ऊपर की तरफ निकलेगी, कुछ वाटर जो होगी यहां पे टकराने के बाद कुछ यहां पे से बैकफायर भी तो करेगी, तो इसके साथ जो वापस जाएगी उसको बोलेंगे क्या, काउंटर काउंटर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल करंट, और इसको बोलेंगे नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, क्या इसमें डाउट है किसी को, क्लियर है, आई इस पे टकराई, कुछ पार्ट इधर जाएगी और जो सामने से टकराएगी, क्योंकि ये डोल्ड्रम वाला रीजन है, शांत रहता है, कोई हवा हवा तो है नहीं जो इधर उधर डिफ्लेक्ट करे, तो एट इट इज रोटेशन के साथ अपने साथ लेके निकल जाती है, ठीक है, एट इट इज हवा एक इधर थोड़ी थोड़ी चलेगी, ये दोनों साइड करंट आएगी, कुछ यहां टकरा के कुछ इधर की तरफ हवा जाए, मतलब वाटर जाएगी, कुछ वाटर ऊपर की तरफ जाएगी, कोई डाउट यहां तक, यहां तक किसी को डाउट, क्लियर है, अब बस मुझे देखते जाइए, जब यहां पर आप आते हो तो यहां पे एंड, यहां पे कई आइलैंड्स हैं, छोटे 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 बहुत सारे आइलैंड हैं, और ये कौन से आइलैंड है सारे, एंड कौन सी, टोटल कहते हैं कैरिबियन आइलैंड, क्या कहते हैं, और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन हर साल पूछ रहा है आजकल, या तो यहां से पूछ रहा है नहीं तो यहां से पूछ रहा है, अभी यहां भी लाएंगे, जब मैपिंग लाएंगे तो ये सारे आइलैंड्स को लेके बताएंगे, इंपॉर्टेंट जो कुछ हुआ था यहाँ पे, कहना प्रिया पूछा था, प्रिया जो पूछा था एग्जाम में वो 2019 या 20 में पूछा था, कैपिटल करके, हाँ केप वर्डे वाली, ठीक है, जानबूझ के, क्योंकि यहां पे इतना बड़ा काम हो रहा है और बताइए लोग ध्यान नहीं देते हैं, हाँ तो यहाँ पे एलुशियन आइलैंड है, कौन से क्या कहते हैं, एंटिलीज है, क्या है यहाँ पे, एंटिलीज, तो इसे बोलेंगे एंटिलीज वार्म करंट, क्या बोलेंगे, तो
तो वॉर्म पता ही है, तो मैं बस लिख दे रहा हूं, डब्ल्यू सी लिख दूं बस, क्लियर है? कोई यहां पर डाउट किसी को? अब ये एंटलीज यहां पे टकराने के बाद घुसी आगे की तरफ बढ़ी। यहां पे जो चैनल है, ये कौन सा चैनल है आपको याद रखना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का जो एक रीजन है उसको बनते हैं चैनल, और ये चैनल का नाम है युकाटन चैनल। ये इसलिए याद दिला दिया क्योंकि परमानेंट याद रहे, युकाटन चैनल किसके बीच में? अगर पूछे किसके बीच में, तो सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड के बीच में। ये क्या हो गया? और कैरिबियन आइलैंड के बीच में, ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं वैसे पढ़ाऊंगा, बस आप लोग समझ लो यहां पे युकाटन चैनल है, ठीक है? ये मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? आगे बढ़ती यही करंट, फिर आगे बढ़ती है, यही करंट फिर आगे बढ़ती है, तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में एंटर कर जाती है। किसमें एंटर करती है? और गल्फ ऑफ मैक्सिको में यहां पर कौन सा, यहां पे कौन सा यूएस का स्टेट है? फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा में टकराई, ठीक है? और टकराने के बाद फिर ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट की, ठीक है? सॉरी, यहां से आई युकाटन में, और ये फ्लोरिडा आपका चैनल है, फिर ये मैक्सिको में घुसी और फिर यहां से निकली। तो इस वाले चैनल, इस वाले यहां पे इसको नाम क्या कहते हैं? फ्लोरिडा वॉर्म करंट, फ्लोरिडा वॉर्म करंट, क्लियर है? और फिर यहां पे देखिए 23 के बाद यहां मिल जाता है 45 डिग्री, और भाई साहब 45 डिग्री पे जो इसका ड्रिफ्ट होता है एकदम इतनी तेजी से यहां पे निकलती है कि क्या ही बताया जाए, ठीक है? और इसी से सबसे ज्यादा ट्रेड होता है नेविगेशन में, इसीलिए मैंने लिखाया था कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है इसका, ठीक है? तो ये पॉजिटिव इसका नेविगेशन है, और ये डायरेक्ट इसको लेके भागती है इधर की साइड में, ठीक है? लेकिन यहीं पर एक कोल्ड करंट आती है। कौन सी करंट आती है? लेब्राडोर, बिल्कुल सही। और देखो ये पोल है आपका, मैंने बताया था पोल से क्या आता है, ठंडी हवा आती, मतलब ठंडी हवा तो आती है, ये बर्फ पिघलते हैं और ठंडा पानी लेके आते हैं, टाइटैनिक को लीड हुए थे, तो ये है आपका लेब्राडोर। क्या है ये? लेब्राडोर कोल्ड करंट। क्या है? कोल्ड करंट, क्लियर है? सॉरी, पॉइंट में मैं लिखवाऊंगा एक एक का, कि यहां पे जब मिलेंगे, नोवा स्कोटिया रीजन है, मैं बताऊंगा अलग से बड़ा करके, क्योंकि नोट करके लिखवाना है कि यहां पे ग्रैंड बैंक और इधर डोगर है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मछलियां मिलती है, वो नोट करके लिखवा दूंगा। अभी हम लोग करंट देख लेते हैं। फिर यहां जाती है और यहां एक आईलैंड है कोई, मुझे एग्जैक्ट उस आईलैंड का नाम नहीं याद आ रहा है, वहां से टकराने के बाद क्योंकि बल्क ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर होती है, तो ये तीन डायरेक्शन निकल जाती है। एक यहां टूट के निकलती है, मतलब ये आईलैंड जो है, ये कौन सा आईलैंड है? आइसलैंड है ये। कौन सा है? जो आइसलैंड से ऊपर की तरफ जाती है, इसको बोलते हैं इरमिंगर। क्या बोलते हैं? इरमिंगर वॉर्म करंट, ठीक है? और यहीं से टकराने के बाद डायरेक्ट एक करंट ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, और यहां पर एक वो पोर्ट है, इसको बोलते हैं नॉर्वेजियन करंट, क्योंकि नॉर्वे की तरफ जा रही है ये, तो इसको बोलते हैं नॉर्वेजियन करंट, नॉर्वेजियन वॉर्म करंट, ठीक है? और फिर कुछ करंट इसका, किसी को डाउट? यहां से ऐसे वापस आती है, इसका नाम है रेनेले करंट, रेनेले वॉर्म करंट। तीन करंट है यहां पे, लोग को यही कंफ्यूजन रहता है। साउथ साउथ वेस्ट में रिमिंगर जाती है आइसलैंड के, नॉर्वेजियन नॉर्वे की तरफ जाती है, और यहीं से टर्न कर जाती है रेनेले करंट। कोई डाउट इसमें? और जैसे ये नीचे की तरफ आती है, तो मैंने आप लोगों को तीन आइलैंड पढ़ाए थे, मैंने यहां पे बताया था क्या है, मडीरा है, उसके नीचे बताया था कनारी है, और उसके नीचे बताया था केप वर्डे बताया था। और इसमें ये बताइए, ये तीनों, केप वर्डे अपना इंडिपेंडेंट है, उसकी राजधानी पता है, ठीक, ये बता चुका हूं प्रीवियस क्लास में। कनारी पे किसका राज है, और मडीरा पे किसका है? पुर्तगाल का। इन तीनों में सबसे ताकतवर कौन है? स्पेन है। तो कहा भैया ये करंट जब हमारे बगल से गुजर रही है, तो इसका नाम हम मडीरा का रखें, कनारी रखिए, तो उसने इसका नाम रखवाया कनारी, और इसी से इसका नाम है क्या, कनारी कोल्ड करंट। और फिर एक कनारी कोल्ड करंट ऐसे आती है और यहां मिलती है। अब मुझे एक एग्जाम आंसर बताएगा, आप लोग मेरी बात को ध्यान से देखिए, इधर देखिएगा, बनाना बंद कर दीजिए। यहां पे आई एक कोल्ड करंट जिसका नाम है क्या, कनारी कोल्ड कोल्ड करंट, यहां आई, ठीक है, आई यहां पर,
मुझे बस एक वर्ड बताइए, यहां पे कोल्ड करंट आई और जस्ट इसके बगल में एक बहुत भयंकर कोई चीज दिखाई दे रही है, क्या है ये? सहारा। तो कोल्ड करंट की वजह से जहां जहां कोल्ड करंट दिखेंगी वहां क्या बनेगा? मरुस्थल बनेगा। क्या बनेगा? अभी यहां पे आपने मरुस्थल देखा, अभी जब यहां पे आओगे ना फॉकलैंड, फॉकलैंड ठंडी हवा गुजरेगी, बनाएगा पैटागोनिया का कोल्ड करंट, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है? जस्ट यहां पे अभी हम्बोल्ट चलेगी तो यहां बनाएगा कौन सा गोल्ड? अटाकामा, वर्ल्ड का ड्राइएस्ट, वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट यहां बना देगा। तो यही आपके दिमाग में रखना है कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि करंट को अच्छे से समझ लो, करंट जहां जहां दिखेगी आपको तुरंत याद आ जाएगा कि यहां पे कोई डिजर्ट है, 100% है, ठीक है? तो यहां पे कनारी कोल्ड करंट आई और फिर ये किसमें आके मिल जा रही है, फिर इसने अपना बना दिया क्या? सर्कुलेशन। और यहां पर सर्कुलेशन में एक सी आती है, उस सी का नाम क्या है? ये वीडी है पूरा, ठीक है? अब ये एटिटिस अपने एटलस पे आप लोग अपनी मैपिंग जो आपने खींची है उस पे आप ऐसे बनाइए, गंदा सही जो भी बनाइए, और फिर जो आपके पास एटलस है जो ओरिजिनल वाला जो प्रिंटेड होता है उस पे भी यही बनाइए। ये देख यहां पर कोई डाउट किसी को? कोरिलेशन हो गया, देख रहे हो सिर्फ एक ही चीज घुमा रही है चारों तरफ, लोग परेशान रहते हैं ये कहां से आया, ये कहां से आया। नहीं दिया ना, दिया है? ये सब देते ही नहीं है क्योंकि यहीं से उठा के क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो भी बुझा के रखते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछना है हमें। आप लोग पेपर उठा के देखना, आप लोग एग्जाम में दिया हुआ क्वेश्चन, ये रेने वाला भी पूछा है, इरविंगा भी पूछा है। और कई लोग कंफ्यूज जाते हैं ये कोल्ड है कि ठंडी है, सोचते हैं ऊपर है पक्का ठंडी ही होगी। अच्छा यहाँ से बड़ा सुंदर दिख रहा है यार कलरफुल वाला पेन, अच्छा मुझे ही नहीं दिखता है वहां पे। हाँ यस, इसलिए मैंने वहां दो पॉइंट्स लिखाए थे, एक अपवेलिंग और एक, मुझे पता था क्वेश्चन आएगा। क्लियर हो रहा है हीरो? कोई डाउट? इसका जो टेम्परेचर अगर मेजर करोगे ना तो इसका टेम्परेचर कुछ डिग्री सेल्सियस उस कोल्ड वाले से कुछ कई डिग्री सेल्सियस के ऊपर 5 के करीब में डिफरेंसेस मिल जाती हैं। वो जो करंट्स आती हैं बल्क में आती हैं तो उनका एरिया के अकॉर्डिंग देख ली जाती है, ये चीज होती है। रिलेटिवली सब रिलेटिव ही तो चल रहा है, ज्योग्राफी पूरी रिलेटिवली ही है। खास करके ऊपर वाले जो तीन नाम है ये जरूर लिखेगा, यही लोग नहीं लिखते हैं और यही क्वेश्चन पूछा जाता है खास करके कि नॉर्वेजियन कहाँ चलता है। अब इसके बाद में इसमें लिखाना है नोट, ये बताओ करंट के बारे में कुछ लिखाने की जरूरत तो है नहीं, यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन है उसको नोट बना के लिखा दूं मैं, क्यों? करंट के बारे में मैंने समझा ही दिया है। तो बनाया नहीं मैम? अरे कोई दिक्कत नहीं, गलत सही बना के इसको प्रैक्टिस एक दो बार जब आप करोगे ना तो अपने आप सही हो जाएगा। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है मैपिंग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। लेबराडोर हो गया, ठीक है इधर से निकाल ले, बहुत बढ़िया। बीच में आप लोगों को सारगोसा बना देना गोल घुमा के, क्योंकि सारगोसा एक तरीके से गायरे का काम करता है। गायरे का नाम सुना है आप लोगों ने? जी भाई यारी, इसको घोस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घोस्ट, समुद्र का भूत। नहीं और छोड़ नहीं बताते, समुद्र का भूत इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सर्कुलेशन में फंस जाती है, कई बार चीजें जाती हैं, घोस्ट इसीलिए बोलते हैं, भूत बोलते हैं गायरे, अभी उसको हिंदी में भूत ही बोलते हैं।
ये स्पेलिंग होती है GYRE, इसको बोलते हैं ओशियन गायरे। अभी बताऊंगा आपको ओशियन समुद्र का भूत क्या है। इसी में इसलिए इस समय आप लोग बनाते रहे, मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ। इस समय इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है ना ये गायरे की वजह से, जो आप लोग बॉटल फेंक देते हो कोस्ट के कान के ना कोस्ट के पास, प्लास्टिक फेंक देते हो, ये जाके इस समय ऐसा गायरे का सर्कुलेशन क्रिएट किया पड़ा है ना, हजारों मछलियां मर रही हैं, इकोसिस्टम बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है ओशियन का। बस ये है कि रीजन इतना बड़ा है 71%, तो हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है। बहुत भयंकर ये गायरे, अभी देखिएगा आप लोग, दिखाऊंगा मैं यूट्यूब पे, दिखाऊंगा आप लोग, कहोगे भाई साहब ये क्या है, ये कितनी, खुद आप लोग को अवेयरनेस आ जाएगी। देखिएगा अभी, याद क्लियर हो गया आप लोग का, बन गया, किसी को डाउट लिखिए नोट। पहले अपने बड़े जो एटलस वाला चार्ट है आपका, एटलस वाले चार्ट पे भी बनाइए पहले। अरे यार 2 घंटे बीत भी गए, अरे यार बोर हो गए अब तो। अरे नहीं यार बोर हो गए, 2 घंटा बहुत होता है भैया, क्लास कर, बोर हो गए ना। अच्छा 2 4 नोट बना के बंद कर दे, मुझे टाइम अभी पता चला, तो दिक्कत है भाई, 2 घंटा बहुत होता है भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट में आपका सदन, और सदन आप लोग अपनी तरफ से थोड़ा उस पढ़ लेंगे, और जो एक्स्ट्रा है वो मैं लिखा दूंगा। तो बस फटाफट फटाफट कर देते हैं, 2 4 पॉइंट है बना के बंद कर दें। ठीक है, मुझे पता ही नहीं चला भाई साहब, चेहरे भी इतने खिले हुए, पता ही नहीं चलता बोल रहा है, चेहरा बना लेगा जैसे 2 घंटे हो जाए, एक ऐसे खतरनाक सामने समझो कुछ गड़बड़ है, बंद किया। हाँ ये चीज़ है कि क्लास में, क्योंकि आप ही के लिए है सच में, क्योंकि मैं पढ़ा ही रहा हूँ सबसे, अभी चौथी पांचवी क्लास में कोई ओशन करंट नहीं करा था, दूसरी क्लास में कोई विंड सर्कुलेशन नहीं करा था, या प्रेशर बेल्ट नहीं पढ़ा था। प्रेशर बेल्ट अपने आप इतना टफ चीज़ है कि आधे लोगों को समझे में नहीं आता, वो तो आप लोग पता नहीं कैसे खुश हो गए, अच्छा सही है वो आ गए, अदरवाइज आधे लोग छोड़ो यार, हम लोग भी ऐसे ही थे, अरे प्रेशर बेल्ट क्या यार, कहाँ घूम रहा है ये, लेकिन वेरी गुड यार, वो यूनिवर्सिटी में 3 साल पढ़ाई लग रहा है उसी का इम्पैक्ट है। हाँ ये बन गया आप लोग का, अपने मैट पे बना लीजिए इसको, जरूर घर जाके बना लीजिएगा, या अभी बनाना है बना लीजिए, क्योंकि जहां से गुजरेगा थोड़ा जल्दी काम लेगा। लिखिए नोट, में 3 4 पॉइंट लिखानी है मुझे, फटाफट लिखा दूं। ये देखिए आप लोग अपनी कॉपी पे बाइफर्केट करके, अपनी कॉपी पे बाइफर्केट करके, जहां पे आपने बाइफर्केट किया था, तो वार्म करंट अलग लिख लीजिएगा, कोल्ड करंट पे 2 नाम लिखिएगा, एक आपका लेब्राडोर और दूसरा लिखिएगा आप कनारी, मतलब नॉर्थ अटलांटिक वाले में, और वार्म करंट में सारा का सारा 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर लीजिएगा, क्योंकि सडन आपके नाम पे आए तो मेंस में आप ऐसे बना दो वहां पे। ठीक है, बहुत बढ़िया यार, धन्यवाद भाई, थोड़ा ठंडा ही लाया, तबीयत खराब तो ठंडा ही लाया भाई। ठीक है, अच्छा फोटो खेलते भाई, ले लो यार। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे नंबरिंग करके आप जरूर डाल देना, बिकॉज इससे बेनिफिट ये होगा नंबरिंग करके डालने से, कि आप लोगों को तुरंत याद आ जाएगा, ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये देखोगे तो क्लियर ही होगा, तो ये जरूर कर लेना। ठीक है, मैं अगले एक्सरसाइज में देख लूंगा। हाँ लिखिए नोट, फटाफट लिखा दो यार, 2 घंटे आप लोग ही हो गए। लिखिए जॉर्ज बैंक, लिखिए हाँ लिखिए जॉर्ज बैंक, हटा दो इसे ना, किसी को देखना तो नहीं, हटा दो ना, लिखिए जॉर्ज बैंक। जॉर्ज बैंक, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा यार, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ छूटा ना तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो लिखा है जॉर्ज बैंक, ठीक है, नहीं ठीक तो है, आ तो क्या विजिट भी चले जाए, थोड़ा इसके इसके आगे वाला पार्ट चाहिए था बहुत, मतलब यही वाला सिर्फ पार्ट आ गया, मुझे थोड़ा सा इसका बड़ा वाला पार्ट चाहिए था, नोवा स्कॉटिया का।
नोवा स्कोटिया ऑन पॉलिटिकल मैप। ये देखिए, ये जो रीजन दिख रहा है आपको नोवा स्कोटिया, ये इधर देखिएगा मेरी तरफ, ये दिख रहा है नोवा स्कोटिया, ये पूरा का पूरा आपका क्या रीजन है। अपना एटलस खोलिए फटाफट, अपना एटलस खोलिए, नॉर्थ अमेरिका वाला, कनाडा, बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका वाला अपना एटलस खोलिए। ये मैपिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर एक रीजन है नोवा स्कोटिया में ही, जहां पे विश्व की सबसे बड़ी टाइड्स आती है, और एक पीसीएस में 10 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि वर्ल्ड की 12 मीटर की सबसे हाईएस्ट टाइड कहाँ आती है, तो इसी रीजन में आती है। मैं उसे बाद में लिखवा दूंगा, लेकिन यहाँ पे बताना था मुझे कि एग्जाम में पूछा गया है। हाँ एक्चुअली यहाँ पे आके ना, एक्चुअली यहां पर क्या होता है, आके वाटर फंस जाती है, और टाइड जब आता है ना तो बहुत जोर से प्रेशर मारती है और हाइट तक जाती है, 12 मीटर, सोच लिए हम लोग घर घर के बराबर टाइड्स आती हैं, ठीक है, नोवा स्कोटिया में। बस यहाँ पे चाहे तो नोट करके लीजिए, नोवा स्कोटिया के पास कि हाईएस्ट टाइड यहीं पर आती है, वर्ल्ड की हाईएस्ट टाइड, विश्व की सबसे बड़ा जाओ और भाटा, फ्लोरिडा नहीं, नोवा स्कोटिया कनाडा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, मैंने लिखा था जॉर्ज बैंक, जॉर्ज बैंक नहीं, अगला पॉइंट लिखिएगा आप जॉर्ज बैंक, वो तो मैंने ऐसे बताने के लिए बता दिया, लेकिन लिखिए जॉर्ज बैंक तुरंत फटाफट। लिखिए जॉर्ज बैंक, जॉर्ज बैंक लिख लिया था। देखिए जॉर्ज बैंक में होता क्या है कि इधर से आप लोगों ने देखा होगा, ये आपका ग्रीनलैंड है, ठीक है, और ये आपका कनाडा है, यहां से एक करंट आ रही है, उसका नाम क्या था, लेबराडोर वर्ल्ड कोल्ड करंट, और यहां से एक करंट जा रही है, उसका क्या नाम है, गल्फ स्ट्रीम, और दोनों यहां से पास से गुजरती हैं ऐसे, और जब दोनों यहां पे पास में गुजरते हैं तो यहां पे नोवा स्कोटिया, यहां पर कौन सी जगह है, नोवा स्कोटिया, यहां पे भाई साहब कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, फॉग बनता है, और फॉग जब दोनों मिलेंगे तो फॉग भी बनेगा, और फॉग के साथ साथ यहां पे बनता है जॉर्ज बैंक। इतनी ज्यादा मछलियां मिलती हैं वर्ल्ड की, सबसे ज्यादा फिशिंग यहीं पर होती है, तो यहीं पर ऐसे दोनों बना दिए ग्रीनलैंड, यहां लिखा है कोल्ड वाटर करंट, यहां पे ग्रीन स्ट्रीम, दोनों को मिला दीजिए, लिख दीजिए जॉर्ज बैंक, जो मैंने बनाया एक्स्ट्रा तरीके से, लिखिएगा जॉर्ज बैंक, उसी के साथ ऐसे डायग्राम बना दीजिए, छोटा सा डायग्राम बना दीजिए क्योंकि आपके दिमाग में बसा रही है। कोई डाउट इसमें, फटाफट 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 फटाफट। वर्ल्ड की, विश्व की सबसे ज्यादा जो क्या कहते हैं, फिश फार्मिंग होती है, मतलब फिश कल्टीवेशन होता है, या मछली मारी जाती है, इसी रीजन में मारी जाती है, इसीलिए इसका नाम बैंक है। इसको वर्ल्ड बैंक या आरबीआई बैंक से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दूसरा बैंक का नाम लिखिए डॉगर बैंक, दूसरा बैंक है ऐसे ही है जिसका नाम है डॉगर बैंक। और याद रखने, मैं इसलिए मैपिंग करवा रहा हूं ये, क्योंकि आपके एग्जाम में ये नाम के साथ पूछ लेता है किस रीजन में पूछा जाता है, यूपीएससी ने पूछा था कि किस रीजन में है। तो डॉगर बैंक कहां पर है, इंग्लैंड के आगे, जानबूझ के, अरे भाई आ जाओ यार, मैंने कहीं कुछ बनाया तो बड़ा वाला एटलस का है। हाँ ये देखिए, ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड के नॉर्थ ईस्ट रीजन में नॉर्वेजियन करंट जा रहा है, तो नॉर्वेजियन करंट जो है ये बहुत बड़ा अमाउंट में होता है ना, तो नॉर्वेजियन करंट के पास यहां पर, यहां पे ऑब्वियसली बात है, ये क्या रीजन है, वो क्या कहते हैं, ठंडी वाली रीजन है पोलर, तो यहां पे जो नॉर्थ सी है, यहां पर वाटर जो होता है ना ठंडा होता है, और यहां पे आ जाता है ये गर्म गर्म वाटर, इन दोनों के मिक्स से इंग्लैंड के जस्ट आगे यहां पर पाया जाता है डॉगर बैंक। याद रखिएगा, यहां पर है डॉगर बैंक, और यहां पे क्या था, नोवा स्कोटिया के पास जॉर्ज बैंक। फिशिंग, यहां यहां पे अगर ज्योग्राफी में बैंक दिख जाए वो फिशिंग है, ठीक है, क्लियर है, एग्जैक्ट यही बना लीजिए।
लिखिए डॉगर बैंक के आगे नाम लिखिए। कहाँ लिखा था भाई, छठा नंबर। हाँ, डॉगर बैंक के आगे लिख लीजिएगा, ये पाया जाता है नॉर्थ सी में, ब्रैकेट में कर दीजिए, नॉर्थ सी, ईस्ट ऑफ इंग्लैंड, ईस्ट ऑफ, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड। क्या किसी को दिक्कत है यहां तक? ठीक है, आज तक क्लास का हम लोग यहां लिखते हैं यहां पे। हाँ, एक सारगोसा सी लिख लीजिए, तीसरा पॉइंट वहीं पे, सारगोसा सी, और इसके बारे में घर से लिख लीजिएगा। हाँ, वही मैंने, वीट, वीट मतलब वही। सारगोसा सी के बारे में नेक्स्ट क्लास में लिखा दूंगा। 2 घंटे हो गए, आप लोग थके नहीं, लेकिन गलत बात है, थक जाया करो। आगे 2 घंटा चेहरा गुस्सा ऐसे दिखा दो ना कि लगा आज मैं डर ही जा रहा हूँ, बंद करके।